ಶತಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ ಚರಣ ಕಮಲ ಮೇ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತಾ ಹೂ. ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ಮೇರೆ ಸಿಖ್ಯಾ ಗುರು ಪಾದ ಪದ್ಮ ನಿತಲೀಲಾ ಪ್ರವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ಪಾದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಶ್ರೀಲ ನಾರಾಯಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ ಚರಣ ಸರೋಜ ಮೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ತಾ ಹೂ. उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं जथा योग्य प्रणाम करता हूँ. गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे सौनकाद ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को छह प्रश्न किए थे. छह प्रश्न में पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न क्या था याद है? क्या था पहला प्रश्न? आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? और दूसरी प्रश्न क्या था बोलो जोर से. हाँ, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय किया है, जिसका उत्तर में श्री सुतो गोस्वामी ने बताए कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा. अरे कलयुग में ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, हाथों में जो कुछ घर ठाकुर का सेवा मान कर करो और मुंह से ठाकुर का नाम लो. हाथों में काम और मुंह से ठाकुर जी का नाम, बस इतने से ही सारे काम बन जाएंगे. इसलिए कहते एक समय जब श्री रामायण श्री वाल्मीकि ने रचना की उसमें था 100,000 श्लोक. अभी ये रामायण को लेकर के सारे देवता में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई. देवता लोगों ने कहा ये रामायण हमें मिलनी चाहिए. इंसान वो बोले ये रामायण हमें मिलनी चाहिए और जो दैत्य थे बोले ये रामायण हमें मिलनी चाहिए. अभी तीनों में लड़ाई शुरू हो गई. अभी लड़ते लड़ते बोले एक काम करो ये ग्रंथ जिसका उनको पास में चलो. बोले ये ग्रंथ किसके हैं? बोले शंकर जी. सर्वप्रथम शंकर जी ने ये रामायण को अपना हृदय में रचना करके रखे. बोले श्री शंकर जी को पास में चलो, लड़ने का कोई महत्व मूल्य नहीं. जब शंकर जी को पास में गए बोले तुम तीनों बैठ जाओ, तीनों में मैं बंटवारा करा देता हूं. तब शंकर जी 100,000 श्लोकों को तीनों में उन्होंने बंटवारा करवाया. 30,000, 30,000, 30,000 करके सबको दे दिया तीनों को. अब बताओ अभी कितना बाकी रह जाएगा बोलो. अब लोग कोई कथा नहीं सुन रहे हो. 100,000 श्लोक था उसमें, था 1 करोड़ श्लोक था. 1 करोड़ को उन्होंने 30,000, 30,000, 30,000 दे दिया. अभी कितना बचेगा? अभी 10,000 बच गया. अभी 10,000 उन्होंने तीनों को 3,000, 3,000, 3,000 बंटवारा कर दिया. कितना अभी बचेगा? 100,000. अभी 100,000 को उन्होंने 30,000, 30,000, 30,000 दे दिया. अभी कितना बचेगा? 10,000. फिर 10,000 श्लोकों को उन्होंने 300, 300, 300 दे दिया. अभी कितना बचेगा? 100. फिर 100 को उन्होंने 30, 30 और 30 करके दे दिया. अभी कितना बचेगा? कितना बचेगा? 10. फिर 10 को उन्होंने 3, 3, 3 करके दे दिया. अभी कितना बचेगा? 1. अभी 1 श्लोक बच गई. अभी 1 श्लोक में कहते 4 ही चरण है. 1 श्लोक में 4 ही चरण. जैसे गीता का पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, बोले ये 1 चरण है. बोले सम वेद दुजुस्सवा, कहते ये 1 चरण है. बोले माम कहा पांडवाश्चैव, ये 1 चरण है. किम अकुर्बन संजय, ये 1 चरण है. 1 श्लोक में 4 चरण हुआ करता है. तो उन्होंने 4 चरणों को फिर 1 चरण 1 चरण 1 चरण बांट दिया. अभी बच गया 1 चरण. अभी 1 चरण में 8 अक्षर है. अभी उन्होंने 8 अक्षर को उन्होंने 2 अक्षर 2 और 2 बंटवारा कर दिया. अभी कितना अक्षर बचेगा? अभी बच गया 2 अक्षर. बोले भैया ये 2 अक्षर क्या है? बोले कृष्ण नहीं तो राम. शंकर जी ने कहा मैंने इतना कष्ट की, मुझे तो कुछ मिलनी चाहिए ना, इसलिए ये 2 अक्षर मुझे दे दो. फिर 2 अक्षर को शंकर जी अपना कंठ में धारण कर लिया है.
वो है कृष्ण, नहीं तो भगवान राम है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले महामंत्र जय जप तमहेशा, महामंत्र जय जप तमहेशा, महामंत्र जय जप तमहेशा, महामंत्र जय जप तमहेशा, अकाशी मुखा तो उपदेशा, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर जी हर समय ये महामंत्र को हर समय जप करते रहते। बोले पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, शंकर भी यही महामंत्र जप करते हैं, इसलिए जगत में उनका इतना पूजा है। हनुमान जी को देखो, हनुमान जी एक बंदर है, कोई घर में बंदर को पूजा करता है? अब देखना घर में कोई बंदर घुस गया ना, बोले भैया घर अपवित्र हो गया, उसको साफ कर दो। लेकिन देखो हनुमान की घर घर में पूजा हो रही है, बोले किस लिए एक बंदर को इतना पूजा करते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं एक ही कारण है, चुके हनुमान जी भगवान का नाम जप करता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सुमरी पवन सुत पावन नामो, आपन बस करे राख रामो। कहते सुमरी पवन सुत पावन नाम, अब लोग हिंदी समझ रहे ना, कहते हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं? बोले भगवान का पवित्र नाम को जप करते हैं, और केवल प्रभु का नाम जप का प्रभाव से आपन बस करे राख रामो, भगवान को उन्होंने वशीभूत कर दिया। केवल प्रभु का नाम जप से ही इतना महिमा है। मैया देवी एक समय माता पार्वती शंकर जी को प्रश्न करती है, देखो ध्यान देकर सुनो, ये जगत में जितना बड़ा जगत में जिसका नाम है ना, केवल प्रभु का नाम की प्रभाव से, और कोई कारण नहीं है। मीरा जी को जगत में क्यों पूजा करते हैं? मीरा जी की इतना पूजा जगत में क्यों? कारण है मीरा भगवान का नाम लेती थी, मीरा गिरधर का नाम लेती थी, इसलिए जगत में मीरा की इतना पूजा है। इसलिए एक समय माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न की, बोले प्रभु नाम कर तो किसकी नाम लेनी चाहिए? शंकर जी कहते पार्वती, राम रामेति रमेति, रम रमे मनोरमे, सहस्र नाम अभिस्तुल्लभ श्री राम नाम बरानन। बोले हे पार्वती, विष्णु सहस्र नाम को जप करने से जितना फल मिलता है, 1000 नाम लेने से अगर एक बार प्रभु राम का नाम अगर कोई ले लिया, उसको वही फल मिलता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सहस्र नाम सुनी प्रिय वाणी, जपी जय संग प्रिय भवानी। शंकर जी पार्वती को इतना क्यों प्रेम करते हैं? बोले एक ही कारण है। अब पार्वती का 8 हाथ में देखना, एक हाथ में एक माला है। अब देखना पार्वती के 8 हाथ है, देखना उसमें एक हाथ में देखोगे एक हाथ में माला जप करती है। आप लोग सरस्वती को देखे हो, देखना सरस्वती का 4 हाथ होगा, उसमें एक हाथ में माला होगा। ब्रह्मा जी के 4 हाथ होगा, देखना एक हाथ में ब्रह्मा जी माला जप करते हैं। इसलिए जगत में आप गणेश जी का नाम सुने, कौन कौन गणेश जी का नाम जानते हैं? सब जानते हैं। इनकी अग्र पूजा जगत में क्यों हो रही है? देखो इसका घटना सुनो। बोले एक समय 33 करोड़ देवता में एक मीटिंग हुई, वो मीटिंग का विषय था 33 करोड़ देवता में सबसे पहले पूजा किसकी हुई। बोले एक काम करो, ये विश्व ब्रह्मांड को जो परिक्रमा करके पहला आ जाएगा उसकी पूजा सबसे पहले होगी।
अभी देखना भारत में प्राइम मिनिस्टर के लिए कितने लड़ाई झगड़ा हो रही, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, सबके सब तैयारी है, सबके सब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयारी, कहां पर, केवल भारत में। लेकिन ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवता में सबसे पूजा पहले किसकी होगी, आप समझो कितनी बड़ी बात है। बोले ये विश्व ब्रह्मांड को जो पहले परिक्रमा करके आ जाए सबसे पूजा उसकी होगी। अभी ब्रह्मा जी अपना हंस वाहन से उड़ पड़े, कार्तिकेय अपना मयूर वाहन से बैठ कर उड़ पड़े, लेकिन अभी गणेश जी कहाँ जाए, आप बताओ गणेश जी का वाहन कौन है, बोलो गणेश जी का वाहन कौन है, चूहा है। अभी वो कहाँ जाएंगे, इतने में श्री नारद जी आए, बोले क्या बात, बोले ऐसे ऐसे बात है, जो विश्व ब्रह्मांड को परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसका अग्र पूजा होगा, अभी मैं क्या करूं। तब नारद जी ने कहा एक काम करो, भगवान राम का नाम लिखो, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है, और भगवान का अंदर में एक ब्रह्मांड नहीं, ठाकुर जी को अंदर में अनंत करोड़ ब्रह्मांड विद्यमान है। तुम प्रभु का नाम राम नाम लिख करके तुम 3 बार परिक्रमा लगा लो। ये लोग तो पता नहीं कितने सालों में ये ब्रह्मांड को एक बार परिक्रमा करके आएंगे, लेकिन तुम्हारी 3 बार अनंत कोटि ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाएगी। सारे देवता पता नहीं कितने सालों में घूम घाम करके आए, और श्री गणेश जी राम नाम लिख करके 3 बार परिक्रमा करके बैठेंगे। सारे देवता मीटिंग हुई, सबसे पहले कौन परिक्रमा करके आए, किसने कहा मैं ना आए, किसने कहा तुमने आने से पहले मैं आ गया था, किसने कहा तुम आने से पहले मैं आ गया, तुमने देखा है लड़ाई हो गई। गणेश जी ने कहा चुप बैठो, तुम लोग तो एक ब्रह्मांड को कितना दिनों में एक बार परिक्रमा करके आए हो, मैं अनंत करोड़ ब्रह्मांड को तो 1 मिनट में परिक्रमा करके बैठा हुआ। सबके सब ठा लगा कर घासे, जिसका चूहा बाहर नहीं है कहीं गया नहीं, बोले अनंत कोटि ब्रह्मांड को 3-3 बार परिक्रमा लगाए। तब उन्होंने श्री नाम की जब उन्होंने महिमा बताए, हरि से बड़ा हरि का नाम है, मैंने प्रभु का नाम को मैंने परिक्रमा कर ली, इसलिए सभी को बीच में श्री गणेश जी की जय जयकार हो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भले महिमा जा सो जाना गणराओ, महिमा जा सो जाना गणराओ, महिमा जा सो जाना गणराओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाओ, हम लोग हिंदी समझते कि नहीं। देखो ये प्यार में क्या कह रहे हैं, महिमा जासु जान गन राओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाओ, केवल नाम की प्रभाव से गणेश जी का पहला पूजा हो रही। लेकिन ये जो नाम है ना, इसलिए सभी नहीं जप कर सकते हैं, ये नाम को सभी नहीं जप कर सकते। क्यों, बोलेगा अगर सभी को सामने अगर माला लेकर के भजन करो ना, पता नहीं कौन क्या बोलेगा, बोले तो बाबा तो नहीं बन गया, बोलेगा ये तो कहीं साधु भादु नहीं बन गया है। अगर सभी को सामने माला लेकर जप करो ना, बोले भैया क्या तुमने बाबा बन गया, सभी को सामने माला लेकर भजन कर रहे हो। इसलिए एक भजन आप सुने होंगे, बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला नहीं, दिल्ली वाले नहीं, कौन है दिल वाले, बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला,
कृष्ण नाम की माला जपेगा कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला माला जपी थी यशोदा माने माला जपी थी यशोदा माने गया मुरली माला जपेगा कोई दिल वाला कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला माला जपी थी गौरा माने माला जपी थी गौरा माने कृष्ण नाम की माला कृष्ण नाम की माला माला जपी थी अर्चना माने 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 हमें गया भजन सुनाया जपेगा कोई दिल वाला हमें गया भजन सुनाया जपेगा कोई दिल वाला कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला कृष्ण नाम की राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला ये भजन सब हम जानते होंगे बोले भगवान का नाम को कौन जप कर सकते हैं बोले जपेगा कोई दिल वाला सभी नहीं जप कर सकते दिल का दिल में जोर है हैं दिल में जिसकी दिल वाले हो वही प्रभु का नाम को जप कर सकते हैं कम दिल वाले जप नहीं कर सकते हैं उनको शर्म लगेगा भैया अगर माला जप करेंगे तो पता नहीं कौन हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद गोविंद गोपाल जय जय जब कोई व्यक्ति ठाकुर जी का नाम जप करना शुरू करे, बोले ठाकुर का नाम कौन जप कर सकता है? बोले पूर्व जन्म में जो चार काम करके आया है। बोले वो चार काम क्या है? बोले जिसने पृथ्वी का सारे तीर्थ में जो पृथ्वी का सारे तीर्थ जो कर चुका है। दूसरा काम है पिछली जन्म में सारे दान पुण्य जो कर चुका है। तीसरा काम है पूर्व जन्म में सारे तपस्या जो कर चुका है। और चौथा काम है पूर्व जन्म में सारे यज्ञ जो कर चुके हैं, बड़े से बड़े जो यज्ञ कर सकते हैं। बोले माँ उसकी जीवा में मेरे नाम उच्चारण होता है, वही व्यक्ति मेरे नाम जप कर सकते हैं। इसलिए हमारे संप्रदाय में एक संत कहते हैं, जब कोई ठाकुर का नाम जप करना शुरू करता है उसका तीन काम होने लग जाता है। ध्यान देकर सुना, जो ठाकुर का नाम जब करेगा उसको तीन काम हो जाता है। बोले क्या काम? बोले जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, आपको पता है चित्रगुप्त किसको कहते हैं? जो हमारी जीवन का लिखा जोखा जिसको पास में, चित्रगुप्त मतलब है, गुप्त मतलब होता है छुपा करके, चित्र मतलब हमारे सारे फटों को जो ले रहा है। अगर कोई सोचे 10 तला बिल्डिंग के ऊपर में मैं बैठ करके दरवाजा बंद करके क्या कर रहा हूँ, थोड़ी किसको पता है। बोले नहीं, अगर दिन में करते हैं ना ये सूर्य किरण सब जगह में, कभी ये साखी है। अगर रात में करते हैं कभी ये रात्रि साखी है, ये चंद्रमा साखी। कोई भी काम को हम छुपा करके कभी कर ही नहीं सकते, इसलिए उसका नाम है चित्रगुप्त। मतलब गोपनीय रूप में सारे फटो जो हमारी ले रहा है, और मरने के बाद सारे कापी में जब खुले के सब लिखा हुआ होगा। जब कोई व्यक्ति ध्यान देकर सुना, जब कोई व्यक्ति ठाकुर का नाम जप करना शुरू करता है, जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाकर बोलते रजिस्टर ले आओ। बोले क्यों?
बोले ये व्यक्ति का नाम काट दो। बोले किस लिए? बोले कभी ये जमपुरी नहीं आएगा, क्योंकि वो व्यक्ति ठाकुर का नाम ले रहा है। एक काम हो जाता है, नरक जाना बंद। बोले दूसरा काम क्या होगा? बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बुलाती है, बोले रजिस्टर लाओ। बोले किस लिए? बोले इसका नाम यहाँ पर लिख दो, क्योंकि वो ठाकुर का नाम जप कर रहा है और निश्चिंत रूप में गोलोक वृंदावन गोलोक वैकुंठ आएगा। इसको दूसरा काम हो जाता है। बोले तीसरा काम किया, बोले ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी आरती की थाला लेकर के सजाना शुरू कर देते। बोले क्यों? बोले वो व्यक्ति जब सब लोग को पार होते होते ब्रह्म लोक को पार करेगा, मैं उसका आरती उतारूंगा। क्यों? बोले ठाकुर का नाम जप करना शुरू कर दिया। देखो ठाकुर का नाम जप करने का कितने महत्व है, कितने महत्व ठाकुर का नाम जप करना है। इसलिए सभी को क्या करनी चाहिए? ठाकुर का नाम जप करनी चाहिए। कल मैं सेमिनार में कथा सुना रहा था, ध्यान देकर सुना। जैसे कोई बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हैं, बोलते भैया क्लास फाइव अगर तू पास कर गया ना, बस सब कुछ हो गया। अगर क्लास फाइव किस तरह से पास कर लो, बच्चा जी जान लगा देता है क्लास फाइव को कैसे पास करे। जब क्लास फाइव को पास कर लेता है, बोले भैया इसको तो सबके सब करते, कौन नहीं करता। जब क्लास टेन आता है, बोले भैया बोर्ड का एग्जाम है, अगर इसको बढ़िया नंबर से पास कर गया ना, सब कुछ हो जाएगा। क्लास टेन को भी पास कर लेता है, बोले भैया क्लास टेन कौन नहीं पास करता, सारी दुनिया पास करते हैं। फिर क्लास जब ट्वेल्व में आता है, बोले भैया अगर ट्वेल्व क्लास को बढ़िया नंबर से ले आया ना, फिर तो कौन सा सब्जेक्ट तुम लोग फिर तो तैयार होता है। फिर किसी तरह से सारे एनर्जी लगा देता है क्लास ट्वेल्व कैसे पास कर, क्लास ट्वेल्व में पास हो गया। बोले सारा दुनिया तो क्लास ट्वेल्व पास करते ही है, ये कौन सा बड़ी भारी बात है। बोले क्यों? बोले कोई एक सब्जेक्ट लेकर के तेरे को पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग हो, सीए हो, डॉक्टरेट हो, कोई एक सब्जेक्ट लेकर पढ़ना पड़ेगा। अगर इसको तुमने पास कर गया तो सब कुछ हो गया। अब किसी तरह से सीए ने जो डॉक्टर कर लिया, डॉक्टरी कर लिया। बोले भैया सारा दुनिया करते हैं। बोले फिर? बोले भैया जब तक नौकरी नहीं करो तो सब बेकार है। नौकरी के लिए तो तुमने सारे काम किया, अभी किसी तरह से नौकरी कर लिया। जब नौकरी कर लिया, बोले दुनिया तो नौकरी करते हैं, जब तक शादी नहीं करोगे सब बेकार है। शादी तो करना है ना, शादी के लिए तो सब कुछ किया है, शादी करो। अभी शादी कर लिया, जब उसने शादी कर लिया, बोले भैया दुनिया तो शादी करते हैं। बोले फिर? बाबा को बैठा दो। बोले दुनिया तो शादी करते हैं, दुनिया शादी करते हैं, कौन शादी नहीं करता है। इसलिए जब तक तुम बच्चे जन्म नहीं दोगे ना, सब बेकार है। अभी किसी तरह से बच्चों को जन्म दिया। बोले भैया दुनिया तो बच्चे जन्म देते हैं, जब तक बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे सब बेकार। बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा दिया। बोले भैया बच्चा तो पढ़ लिख गया, अभी तो तुमको शादी करा। अभी बच्चे को शादी करवाया। बोले दुनिया शादी कराते हैं, बच्चे का बेटा होनी चाहिए, नाती पोती होनी चाहिए, बच्चे का नाती पोती भी हो गया। लेकिन सब कुछ जब जिंदगी में सब कुछ कर लिया, जब उसको शरीर छूट जाता है, जब चार व्यक्ति उसको कंधे पर ले जाते हैं, आप लोगों सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? बोलो, जब किसकी शरीर छूटती है, जब उसको चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? जोर से बोलो, यही बोलेंगे ना। बोले बेटा राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले अभी तक तुमने जो कुछ करते करते क्लास फाइव को पास किया, टेन को पास किया, इलेवन को पास, ट्वेल्व को पास किया, कोई डिग्री लिया, शादीशुदा बच्चे किया। बोले भैया राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा। अभी तक तुमने जो किया बोले झूठे भी बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रही है। पत्नी जाएगी तो रो रो कर दरवाजा तक जाएगी, परिवार जाएगी तो शमशान तक, उसका आगे कोई काम करने वाले नहीं, उसका आगे क्या जाएगा? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। जितने ठाकुर का नाम जब किया ना, वही केवल तुम्हारे साथ में जाने वाले। भैया जब सब कुछ झूठा ही है और राम का नाम कृष्ण नाम सच्चा है, फिर अभी से वो सच्चा को क्यों नहीं करते? अभी से ये काम को क्यों सुर नहीं करते थे? ओ इसलिए क्या करनी चाहिए? जब से ये ज्ञान मिले ना, तब से ठाकुर का नाम जप करना
शुरू कर देनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कल कर सो आज करो, और आज कर सो आओ। इसलिए जितना जल्दी होनी चाहिए हमारे साथ में जो जाने वाली वस्तु, वो ठाकुर जी का नाम हमें जप करना शुरू करनी चाहिए। कहते अगर जीवन में भगवत प्राप्ति का अगर सबसे सरल उपाय है, ठाकुर जी का नाम है, ठाकुर जी की नाम है। सबके सब एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्णा पीछे कुछ माताएं बोल नहीं रही। इतने मैंने कथा सुनाई प्रभु का नाम की महिमा, अभी भी कोई कोई भक्त लोग चुपचाप बैठे हुए, अभी भी मुंह से ठाकुर का नाम नहीं निकल रहा है। जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मति परमात्मति भगवान इति शब्दते। श्री सुत गोस्वामी कहते हैं सौनता दृष्टियों, देखो ध्यान देख ले सुना, कहते भगवान एक ही ब्रह्म है, एक ही भगवान है, लेकिन उनका तीन तरह के भक्त हैं, उनको तीन रूप में दर्शन करते हैं। बल्कि जो ज्ञानी वो एक ही भगवान को वो निराकार निर्विशेष एक ज्योति रूप में दर्शन करता है। कहते जो योगी लोग हैं वो अपना हृदय में अंगुष्ट परिमाण जो परमात्मा को वो एक परमात्मा रूप में अंगुष्ट रूप में ध्यान करते हैं, लेकिन वो एक ही भगवान को जो भक्त हैं उनको श्री भगवान राम रूप में, भगवान कृष्ण रूप में, नहीं तो भगवान श्री नारायण रूप में दर्शन करते हैं। अभी प्रश्न आता है, भैया ये क्या सबके सब समान बराबर ना कुछ अलग है? देखो ध्यान देकर सुनो, हमारे जो हिंदू लोग हैं ना कभी कभी इसी विषय पर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कहता है भैया भगवान तो निराकार है, कोई कहते भगवान तो साकार है, कोई कहते भैया परमात्मा को ध्यान करो, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज होता हो जाते हैं। अब ये चीज अच्छे तरह से मन लगाकर सुन लो श्री सुत गोस्वामी क्या कहते हैं। लेकिन एक भगवान को तीन भक्त उनका तीन रूप में दर्शन करते हैं, कहते ये सबके सब क्या बराबर ना अलग है? तो उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर समझाया, जैसे मानो आम का सीजन है मार्केट में, दशहरी नहीं तो चौसा आम आया। एक राजा ने अपना सेवकों को बोला भैया देख करके आओ, तो मैंने सुना बड़े सुंदर दशहरी चौसा मार्केट में आया। एक सेवक गया, सेवक जा करके उसने देखा सचमुच से बड़ी सुंदर पके पके हुए आम मार्केट में बिक रहा है, लेकिन उसने तो देखा उसको, लेकिन देख करके वापस आ गया। इसलिए पहला नंबर व्यक्ति केवल देख करके आ गया। बोले महाराज ने बोले भैया तुमने देखा कि नहीं आम? बोले महाराज देखा बड़ा सुंदर पके हुए आम है। राजा ने दूसरे सेवक को भेजा भैया तुम देख करके आओ। दूसरा सेवक भी गया, देखा सचमुच से एकदम पक्के पक्के एकदम पीले पीले रंग के आम। पहला नंबर तो देख करके आ गया था, दूसरा नंबर पास में गया उसको स्पर्श किया, देखा सचमुच से पका हुआ, सूंघा तो बड़ा खुशबू है। वापस आ गया, राजा पूछे भैया आम तुमने देख लिया? बोले महाराज मैंने सूंघ करके स्पर्श करके आया, एकदम पक्का हुआ आम, बड़ी सुगंधि है। राजा फिर तीसरी व्यक्ति को भेजा, बोले भैया तू देख करके आ। तीसरा व्यक्ति गया, देखा सचमुच से बड़े सुंदर पके पके पीले पीले रंग के आम, वो देखा भी स्पर्श भी किया सूंघा भी, बड़े खुशबू। बोले 5 किलो आम दो। 5 किलो आम को लाया, ठंडा पानी में भिगवाया और उसको अमोनिया करके श्री ठाकुर जी को भगवान कृष्ण को भोग लगाया। जब उसने आम को खाया, बड़ा मीठा आम है। राजा ने पूछा भैया आम कैसे हैं? बोले
महाराज ने खा करके देखा आम बड़ा मीठो आम है, बड़ा स्वादिष्ट आम है। देखो ये आम तीनों को ही मिला है, लेकिन ये मिलने पर भी सबको बराबर नहीं मिला। ये चीज को अच्छे तरह से दिमाग में बैठा लो, नहीं तो ना हम भटकते रहते। भैया ठाकुर निराकार ना साकार ना परमात्मा, कभी कभी हम बड़े कंफ्यूज में रहते इस विषय पर। ध्यान देकर सुनो, कोई कथा में सुना नहीं, सबके सब आंख खोल कर सबके सब बैठो। इसलिए पहला नंबर कौन है जो उनको केवल दर्शन करके आ गया, बल्कि ये ज्ञानी है जो कि भगवान को किस रूप में दर्शन करता है, बोले भगवान कैसे, बोले तो निराकार है, उसका कोई आकार है नहीं, वो तो एक ज्योति स्वरूप है। बस इतने में ही वो संतुष्ट होकर के आ गया। कहते ये पहला वाला है। बोले दूसरा वाला कौन है जो पास में गया, स्पर्श भी किया, सूंघा और वापस आ गया। बोले ये कौन, बोले ये योगी है जो कि अपना हृदय में वो भगवान को एक अंगुष्ट परिमाण परमात्मा रूप में ध्यान करता है केवल। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं ज्ञानी भश्च अधिक योगी, बोले एक ज्ञानी से ये योगी श्रेष्ठ है। क्योंकि मेरे को हृदय में वो परमात्मा रूप में ध्यान करता है। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति गया, देखा भी सूंघा भी और घर में लेकर के आया और ठाकुर जी को भोग लगाया और उसने जब खाया है ना, देखा भैया आम तो बड़ा मीठा आम है। कहती ये कौन है, बोले ये भक्त है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जोगी नाम अपि सर्वेषां मत गतेनांतरात्मना श्रद्धा भान भजत जो माम समय युक्त तमामता। कहते हे अर्जुन जोगियों में भी जो मेरे को प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक मेरे को जो भक्ति करता जो भजन करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। कहते ये मेरे मत है। इसलिए आप लोग कभी नहीं सुने होंगे ज्ञानी का भगवान, कोई नहीं कहते कर्मी का भगवान, कोई नहीं कहते जोगी का भगवान। आप लोग बताओ भगवान किसके भगवान है, बोलो जोर से, अरे जोर से बोलो ना। हाँ भक्त के भगवान है। इसलिए भगवान का एक नाम श्री भक्त वत्सल है। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए श्री सूरदास जी का एक सुंदर भजन है, आप लोग सुने होंगे। बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची Thank you.
सेवा कीजिए मैं कभी के काम
सेवक था जिसका नाम था हरनाय। इसका रोज काम था दुर्योधन का शरीर में तेल मालिश करना, उसको स्नान करना। लेकिन उधर बड़ा संत से मिल, घर में कोई संत आ जाए तो जरूर वो सेवा करता है। अभी जिस समय ये दुर्योधन की सेवा करने आएगा, ठीक उसी समय में कुछ संत आ गए। अभी तो दुविधा में पड़ गया, अभी क्या करे। अगर संत सेवा करने जाता हूं, ये दुर्योधन का सेवा खत्म होगी, ये दुष्ट बदमाश ही हो सकता, मेरे कोई सजा दे सकता है। लेकिन हमने सुना संतों के हृदय में ठाकुर का निवास है। अगर संत प्रसन्न हो जाए तो ठाकुर स्वयं प्रसन्न हो जाते। अभी तो बड़ा दुविधा में पड़ गया, बल ये दुष्ट कथा सेवा करता हूं लेकिन संत सेवा सहज में नहीं मिलता है। आज जो कुछ होगा देखा जाएगा, आज हम संतों का सेवा करेंगे। उन्होंने बड़ी सुंदर रोटी सब्जी बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए, संतों की सेवा की। अभी उधर कृष्ण चिंता में पड़ गए, बोले क्यों, बोले तो वो मेरे संत का सेवा में लग गया। ये दुर्योधन तो महादुष्ट, टाइम में नहीं आएगा, हो सकता है मेरे भक्तों को कोई सजा दे सकता है। कृष्ण स्वयं बन गए हरनाय, इसकी रूप बन करके आ गए हरनाय के घर में, और ठाकुर जी दुर्योधन का शरीर में तेल मालिश करना शुरू कर दिए। कौन तेल मालिश कर रहे थे? ठाकुर जी। भगवान का आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप है, ठाकुर जी प्रेम स्वरूप है। जब दुर्योधन का शरीर पर मालिश कर रहे थे, उसका रोम रोम खिल रहा था, आनंद में हृदय भरपूर हो रहा था, गदगद हो रहा था। उसने कहा, ए तेरे हाथ में क्या कोई जादू है ना क्या, तू शरीर को स्पर्श करते ही मेरे रोम रोम खिल रहा है, हृदय प्रेम में गदगद हो रहा है, कोई जादू टोना है ना क्या।
आज दुर्योधन इतने प्रसन्न हो गया, बोले आज जितने मुझे आनंद मिली जिंदगी में इतना आनंद कभी नहीं मिली। उसकी गले में एक गजमुति का हार था, उसको निकाल करके पहना दिया किसको, हरनाई की गले में। वो हरनाई नहीं, वो कौन थे, ये भगवान कृष्ण स्वयं थे। अभी हरनाई संतों की सेवा करते हुए अपना काम जब समाप्त हो गया, बड़े डरते डरते दुर्योधन को पास में आया, बोले दुर्योधन जी मैं आज टाइम में नहीं आ पाया, घर में कुछ अतिथि आ गए थे, उनकी सेवा करते हुए इतने देर हो गई। लेकिन उन्होंने जो माला पहनाया था हरनाई की गला में, कृष्ण की गला में, वो माला अपने आप आ गया हरनाई की गला में अपने आप। लेकिन उसको पता नहीं इसकी गले में मोती के हार, उसको पता ही नहीं। दुर्योधन ने कहा भैया तुम तो आज बड़ी सेवा की, आज मेरे को इतने आनंद मिला, कभी जिंदगी में इतना आनंद मिली नहीं। बोले नहीं मैं तो टाइम से नहीं आ पाया, मेरा अपराध हो गया। दुर्योधन को तो बड़ा क्रोध आया, बोले ओ मैंने तेरे को इतने कीमती हार दे दिया ना, इसलिए लगता है तेरे मन में अभिमान आ गया। उसने वो हार को पकड़ा और छीन लिया। हरनाई ने देखा भैया गले में हार कहां से आई, मेरे गले में तो कोई हार थी नहीं। फिर तो हरनाई समझ गया वो आज मैंने संतों की सेवा की ना, इसलिए ठाकुर जी मेरे रूप धारण करते हुए आए और ये दुर्योधन की सेवा की। देखो जब कोई व्यक्ति भक्तों की सेवा करना शुरू करते हैं ना, ठाकुर जी प्रेम में इतने बसीभूत हैं, प्रेम के बसीभूत होकर के ठाकुर जी दुर्योधन की उन्होंने सेवा की है। मतलब भगवान भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते हैं, इसलिए बताए किसके भगवान हैं, बोले भक्तों का भगवान है। इसलिए भगवान का नाम श्री भक्त वत्सल है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। अरे जोर से जयकार लगाओ, पीछे किसकी जयकार नहीं आ रहा है, जोर से बोलो बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री बोले जदा जदा ही धर्मस्य, मेरा आईपॉड ले लो, ग्लानी भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। बोले श्रीमद् भागवत में भगवान की 26 अवतार का वर्णन आया है। सर्वप्रथम ठाकुर जी ब्रह्मा की मानस पुत्र रूप में चतुसन रूप में आए, सनक सनदन सनातन और श्री सनत कुमार। भगवान की जो दूसरा अवतार है बोले भगवान बराह रूप में आए हैं। देखो ध्यान देकर सुनो, कहते शाम का समय में हमें चार काम नहीं करनी चाहिए। कितना काम नहीं करनी चाहिए, कितना, चार। बोले ये चार काम क्या है, बोले पहला नंबर सोना नहीं चाहिए शाम का समय में। जो सोएगा घर में दरिद्रता है, घर में मां लक्ष्मी घर में नहीं आएगी। दूसरा नंबर है उसी समय अध्ययन नहीं करनी चाहिए। आप देखना कोई कोई बोलते हैं ना घर में तो बच्चा पढ़ाई लिखाई ठीक करता है, लेकिन जो पेपर देने जाता है फेल हो जाता है, लिख नहीं पाता। अगर शाम का समय में पढ़ाई लिखाई करोगे याद नहीं रहे। तीसरा काम है शाम का समय में भोजन नहीं करनी चाहिए, जो भोजन करेगा उसको उदर रोग रहेगा, पेट रोग रहेगा। और चौथा काम है स्त्री की सहवास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हिरण्याक हिरण्य कश्यप कैसे सृष्टि हुई, कदी कश्यप जी की पत्नी थी दीति और राजकुमारी, एक दिन सीसा को सामने खड़ी होकर के बड़ी सुंदर उसने श्रृंगार की। जब श्रृंगार की अपना रूप दे करके सीसा में इतने कामातुर हो गई, अपना पति कश्यप जी को पास में गई, कश्यप से मिलने के लिए चाहती है, कश्यप जी ने मना किया। बोले देखो दीति ये समय शाम का समय है, शंकर जी अपना चरों को भूत पिशाच को लेकर के भ्रमण करते हैं, अगर तुम मेरे साथ में मिलोगे ना संतान अच्छा नहीं होगी। लेकिन वो इतने काम में आतुर हो गई थी, जोर जबरदस्ती पति को साथ में मिली। मिलने के बाद कश्यप जी ने कहा तुमने अच्छी नहीं की, तेरे पेट में राक्षस जन्म ले लिया।
इसलिए जिसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो राक्षस जन्म हुए। आप देखना कोई कोई बच्चा कभी बड़ा आज्ञाकारी होता है, पिता माता की सवेरे चरण छुएगा, पिता माता का आदेश पालन करेगा, लेकिन देखना कुछ बच्चे इतने उद्दंड होते हैं एकदम पिता माता की बात नहीं सुनते। बोले क्यों? बोले पहला नंबर गर्भ संस्कार। जिस समय वो बच्चा गर्भ में प्रवेश करता है वो समय अगर बढ़िया समय होगा वो बच्चा बड़ा सुंदर बच्चा होगा। और गर्भ में बच्चे रहते समय अगर माताओं ने गीता पढ़ी, रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, सुंदर सुंदर प्रभु की कथा पढ़े, लीला देखे ना, वो बच्चा भी बड़ा संस्कारी होकर आता है। अगर उल्टा पुल्टा फीलिंग देखेगा, गंदी गंदी डिस्को डांस उल्टा पुल्टा, फिर तो बच्चे को ऊपर में बड़ा बुरा असर पड़ता है, वो बच्चा फिर दुष्ट बन करके आता है। इसलिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जन्म हुए। भगवान बरहा अवतार में, नरसिंह अवतार में भगवान ने उनको वध करते हैं। भगवान का जो तीसरा अवतार श्री नारद रूप में आए, आपको सबको पता होगा नारद जी हैं। ये नारद जी के बगैर कुछ ही नहीं हुआ लीला प्रभु जी की। रामायण भी नारद जी की कृपा से ही, ये भागवत भी नारद जी की कृपा से, और विशेष करके इनकी चार ही चले हुए हैं, दो बालक और दो वृद्धा। बोले दो बालक कौन हुए? बोले एक ध्रुव और एक प्रह्लाद। आज हम कथा सुनेंगे। ये 5 साल उम्र में ही भगवत प्राप्ति की, ऐसे संतों की कृपा रही। बोले दो वृद्ध हुए, एक वाल्मीकि और एक श्री व्यास देव। श्री वाल्मीकि ने हमारी सनातन धर्म के लिए, ये दोनों ने जो अद्भुत जो ग्रंथ लिखे हैं हमारी सनातन धर्म के लिए एक महान ग्रंथ है। ये वाल्मीकि पहले दशरथ नागर था, इतने ब्राह्मणों को हत्या की, जन्य उसे कुएं तक भी भर दिया था। जब श्री नारद से मिले बोले बाबा निकालो क्या पास में? बोले भैया संत हमारा पास में तो लोटे सोटे लंगूटे। बोले जो कुछ हो निकालो। नारद जी ने बताया ये बताओ तुमने ये पाप कर्म करके जो पैसा कमा रहे हो उसको कौन लेगा? बोले मेरे बीवी, मेरे बच्चे, पिता माता। बोले पूछ करके जा, पूछ करके पहले आओ फिर मांगना मेरे से। घर में गया, पत्नी से पूछा, बोले ये पाप कर्म करके जो पैसा कमा रहा हूँ उसमें तू भागीदार है कि नहीं? बोले क्यों? घर का काम मेरी, बाहर का काम तेरा, मेरा कोई इसमें मतलब नहीं। बच्चों से पूछे, बोले बताओ तुम क्या करोगे? बोले आपका कर्तव्य है हमको बड़ा करना, लिखा पढ़ा सिखाना। जब हम पैसा कमाएंगे फिर देखेंगे हम कैसे पैसा कमाते हैं। पिता माता जी से पूछे, बोले तुमको जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया हमने, कितना कष्ट करके हमने कैसे पैसा कमाया ये हमें पता, तू कैसे पैसा कमाता हूँ हमें ये पता नहीं। बोले भैया संत तो सही बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं जो पैसा है ना धर्म को ऊपर में पैसा कमाओ, क्योंकि हम आगे सुनेंगे जब मातृगर्भ में जीव को 7 महीना होता है उसको ज्ञान हो जाता है, उसको 1000 जन्म की बात याद आता है, 1000 जन्म की बात वो देखता है। भैया मैंने ऐसे कौन सा बुरा कर्म किया ये मैया की पेट में आ गया। क्यों? भगवान कहते हैं माँ की पेट में आना नरक में आना बराबर है। पेट में केवल टाटी पेशाब खून पीक और कुछ है ही नहीं, कुछ और गर्भ में है ही नहीं। पेट में सर नीचा टांग ऊंचा रहता है। माताएं जब कोई चटपट चीज खाए, नमकीन मिर्च चीज, वो भी बच्चे को शरीर में लगता है, बड़ा कष्ट होता है। वो भगवान को पुकारता, प्रभु मेरे को ये नरक से निकालो। भगवान दर्शन देते हैं, बोले बेटा ये बताओ अगर नरक से निकालूंगा तो क्या करोगे? क्या? बोले प्रभु मैं समझ गया संसार में कोई किसका है नहीं, क्योंकि सुख का समय सारा दुनिया था, लेकिन जब कर्म का फल भोग कर रहा हूं वो कहां? पत्नी पति बच्चे है कहां? कोई है ही नहीं यहाँ पर। सारे कर्म का फल तो मैं अकेला भोग कर रहा हूं। प्रभु मेरे को पता चल गया संसार मतलब का संसार, बड़े स्वार्थमय संसार, अगर एक बार हमें जन्म दे दोगे ना मैं कान पकड़ता हूँ, कभी भी ये झूठे संसार में फंसूंगा नहीं, उठते बैठते सोते तेरे नाम जप करूंगा, 3 बार तेरे नाम ही लिया करूंगा। बोले सही बोल रहे हो? बोले हाँ। बोले अगर भूल जाओगे ना बीच बीच में वार्निंग दूंगा, ध्यान देकर सुना, ये ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं माँ को, अगर भूल जाओगे वार्निंग भी दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे? बोले जब एक बाल पक जाए मतलब ऊपर का बेल बढ़ गया है, अभी समय आ गया ऊपर जाने का,
अगर हमने शीशा में देखे ना एक बाल पक गया उसको उखाड़ देते, बोले इतना जल्दी हमें बुढ़ा बुढ़ी बना रहे, हमारे कुछ नहीं हुआ। फिर दो बाल पक जाती फिर उसको उखाड़ देते, फिर तीन बाल पक जाती उखाड़ देते, लेकिन जब खिचड़ी बन जाए फिर कलर कर देते, फिर उसको कलर कर देते, उसका वार्निंग हम नहीं सुनते हैं। ये पहला वार्निंग ठाकुर जी कहते, फिर दूसरा वार्निंग दूंगा, बोले क्या दोगे, बोले धीरे धीरे आंखों में देखना कम हो जाएगा, फिर बढ़िया चश्मा लगा लेते, हाँ हीरो होकर घूमते हैं, बोले अभी हमारी कुछ नहीं हुआ। ठाकुर जी कहते फिर तीसरा वार्निंग दूंगा, बोले क्या दोगे, बोले एक एक करके दांत तोड़ना शुरू करूंगा। फिर डेंटिस्ट के पास में जाकर बढ़िया दांत लगा देते हैं, बोले खिलखिलाकर हंसते हैं। ठाकुर जी कहते फिर तुमको फोर्थ वार्निंग दूंगा, बोले क्या, बोले दो प्यार से तीन प्यार हो जाएगा, फिर डंडा लेना पड़ेगा तुम्हें, तुमको डंडा लेना पड़ेगा, तीन प्यार बना दूंगा। ठाकुर जी कहते फिर फिफ्थ वार्निंग मैं नहीं दूंगा, फिर राम नाम सत्य है। हम सबके सब माँ की पेट में ये कसम खा करके आए ठाकुर जी, ये झूठे संसार में और नहीं फंसूंगा, उठते बैठते सोते तेरे नाम लूंगा। ठाकुर जी कहते हैं देखो अगर तू भूल जाओगे ना मैं बीच में आऊंगा फिर, बोले प्रभु कैसे आओगे, बोले संत रूप में आऊंगा, साधु रूप में फिर आऊंगा तेरे को याद दिलाने के लिए। तुम मातृगर्भ में कहा था ना भजन करने के लिए, वो जीव कहता है प्रभु अगर संत रूप में एक बार मेरे को याद दिला दोगे ना फिर तो उठते बैठते तेरे नाम ही जप करते रहूंगा, तेरे भजन करते रहूंगा। है इसलिए हम सबके सब मातृगर्भ में भगवान से वायदा करके आए हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे तो भजन के लिए, वो भजन को रख दिया तो पीछे, और जो काम नहीं करने के लिए आए थे ना वो काम में लग गए, जो असली काम तो रह गया और नकली काम में फंस गए। हैं फिर तो जीव को 84 लाख जन्म फिर भटकना पड़ता है। एक बार सबके सब हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। और एक बार बोलो सबके सब जोर करके, आप लोगों को बोलो मैं सुनूंगा देखूंगा, जोर से और जोर से हरे राम 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 हरे हरे। हाँ देखो इसलिए मैं बीच बीच में ना ठाकुर का नाम लेवा लेता हूँ, कम से कम भागवत कथा में तो ठाकुर का नाम ले ले। और यहाँ पर हम कितने भक्त बैठे, 200-300 भक्त बैठे, जब एक बार आप नाम लो ना, जब सबके सब नाम लेते हैं सबका नाम सबका कान में जाता है। नाम तो तुमने एक बार लिया लेकिन 300 बार नाम लेने का फल मिलेगा, क्योंकि सभी लोग ठाकुर का नाम जप कर रहे हैं, सभी का नाम सभी को कान में जाने पर फिर एक साथ में 300 नाम हो गया। फिर जो ऊपर जाएगा ना सब लिखा हुआ होगा, सब लिखा जोगा वहीं पर मिलेगा। श्री राहुल प्रभु जी राठी जी ने कथा करवाया था, अपनी ये कथा में आए थे और प्रभु का नाम जप किया था, देखना दुनिया की और कोई चीज नहीं मिलेगा वहाँ, और कोई चीज लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यही चीज ही केवल मिलेगा। इसलिए देखना अंतिम समय बोलते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सबके पास झूठा है, केवल यही चीज वहां पर मिलेगा आपको लिखा लिखा हुआ भगवान का जो नाम जप किए हुए हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते श्री व्यास देव जी श्री वाल्मीकि जी श्री नारद बोले भले भैया एक काम करो भगवान के नाम जप करो सारे पाप खत्म हो जाएगा। तो नारद जी बोले बोलो राम बोलो बोलो, लेकिन उसको मुंह में एक बार राम का नाम नहीं निकला, बोले क्यों, वो पापी है ना, वो पापी है, देखना पापी बैठ करके सारा दुनिया की बात करते रहेंगे इधर उधर की दुनिया की सारी बात, बोले भैया एक माला जप करो नहीं होगा, बोले क्यों, बोले पाप है ये, पाप प्रभु का नाम करने नहीं देता है। इसलिए उसको बोले राम बोलो, उसको मुंह से राम नाम नहीं निकला, बोले तू बोलता था मरा 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 मारो मारो, बोले हाँ मरा मरा तो बोलता था, बोले भैया मरा मरा तो बोल सकते हो, बोले हाँ इतना तो बोल सकता हूँ। इसलिए कहते उल्टा नाम जपते जगह जाना वाल्मीकि वहे ब्रह्म समाना, और नाम लेत भव सिंधु सुखाई विचार करह सुमन मनमाही।
अगर वो मरा मरा करते करते अगर राम राम हो गया, अगर हम डायरेक्ट अगर राम राम बोले तो क्या नहीं होगा। इसलिए क्या करनी चाहिए, सवेरे उठ करके थोड़ी समय भगवान को दो। ठाकुर जी के लिए संत का कहना है 100 काम करके भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके काम करो और करोड़ों काम छोड़ करके भजन करो, क्योंकि यही भजन ही अंतिम समय में यही काम में आएगी। इसलिए सवेरे नहा धो करके हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे, देखो आपको पिताजी की पिताजी की पिता सबसे पहले घर में उठ करके ठाकुर जी का स्नान कराते थे, ठाकुर जी का आरती करते थे, गीता रामायण सबसे पहले करते थे। शाम को गांव में मंदिर होता था, सबके सब इकट्ठे होते थे, वहां पर गीता रामायण कोई कथा होती थी, नहीं तो हरि चर्चा हरि कीर्तन होती थी। लेकिन ये टीवी भी निकल करके ना सब सत्यानाश कर दिया हमारी, ये सारे संस्कृति को सब सत्यानाश कर दिया है, उल्टा पुल्टा भर दुनिया की सारे चीज बैठ करके गंदी गंदी चीज में दिन भर देकर बैठ रहे थे, भजन भजन से कोई मतलब नहीं। इसलिए गति भगवान की ये तीसरा अवतार श्री नारद है, बोले भगवान की जो चौथा अवतार है, बोले भगवान श्री नर नारायण रूप में बद्री का आश्रम पर भगवान तपस्या करते हैं। बद्रीनाथ कोई गए हैं, कौन कौन बद्रीनाथ गए हो हाथ उठाओ, तो बद्रीनाथ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। कहते भगवान तपस्या क्यों कर रहे हैं, कारण क्या, बोले कारण है ठाकुर जी ने देखा ये कलिजु का जीव तपस्या नहीं कर सकते, अगर कोई कष्ट करके ये बद्रीनाथ आए और एक बार मेरी दर्शन कर ले, मुझे दर्शन मात्र से ही मैं जो तपस्या कर रहा हूं वो तपस्या का छठवा भाग फल अपने आप उसको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बद्रीनाथ दर्शन करने का बड़ा महत्व है, पहले तो बड़ा कठिन था है, पहले बड़ा कठिन था, लोग जब जाते थे चार धाम करने के लिए बोलते थे तो मेरे साधक क्रिया कर लेना, क्योंकि वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा कोई पता नहीं। अभी तो रोड बढ़िया बन गया, 10 दिन में केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री सब घूमघाम कर आ जाओगे है, केवल 10 दिन 8-10 दिन में सब घूमघाम कर आ जाओगे। लेकिन और एक सरल उपाय ध्यान देकर सुनो, ऐसे एक उपाय है जो एक दिन में आप पृथ्वी का सारे तीर्थ दर्शन कर सकते हो, एक दिन में। आप लोग करना चाहते हो, बोलो कौन एक दिन में पृथ्वी का सारे तीर्थ देखना चाहते हो। देखो ये भागवत में कथा आती है, जब श्री कृष्ण जन्म नहीं हुए थे नंद बाबा ने मनोत रखा था सारे तीर्थ में, अगर मेरे घर में एक लाला की जन्म हो जाएगा हे सारे तीर्थ में दर्शन करने के लिए जाऊंगा। अभी घर में कन्हैया जन्म हो गए, नंद बाबा एक दिन अपना परिवारों को लेकर के सारे तीर्थ जा रहे थे, कृष्ण ने देखा देखो ब्रजवासी कितने भोले वाले, इनको पता नहीं ये ब्रज भूमि क्या है। इसलिए रसखान कहते हैं किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां केशव के कली कुंज कोटि कोटि काशी है, गोपिनी की द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, बोले स्वर्ग अपवर्ग हम ले करे करेंगे किया, जानते नहीं है कि हम श्री वृंदावन वासी है। इसलिए वृंदावन में जितने विश्व ब्रह्मांड का सारे तीर्थ है सब वृंदावन धाम में विद्यमान है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं भैया ये बद्रीनाथ कौन, श्री नारायण है, कहते वो मेरे अंश के अंश है, कहते केदारनाथ कौन, श्री भोले बाबा ये मेरे परम भक्त है, बोले गंगोत्री कौन है, बोले मेरे पटरानी है, बोले यमुनोत्री कौन, बोले मेरे चरण से निकली मेरी दासी है, और देखो ये ब्रजवासी कितने भोले वाले, मैं जिनका बच्चा बन करके आया हूँ लाला बन करके आया हूँ, और जहां श्री राधा रानी जन्म हुई किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां, और ये ब्रजवासी कितने भोले वाले, कहते हम जाएंगे चार धाम करने के लिए, इनको पता नहीं ब्रज कितना महिमा। बोले पिताजी कहाँ जा रहे हो, बोले बेटा तू जन्म लेने से पहले मैंने मनोत रखा था ये पृथ्वी के सारे तीर्थ में दर्शन करने जाऊंगा, अभी तू घर में जन्म हो गया मेरे को जाननी चाहिए। कृष्ण ने कहा पिताजी मैं आपका बेटा हूं, बेटा का कर्तव्य होता है पिता माता को सारे धाम में ले जाओ, जैसे श्रवण कुमार ने अपना पिता माता को कंधे पर लेकर के सारे तीर्थ उन्होंने भ्रमण करवाया, इसलिए मेरा कर्तव्य है आपको सारे तीर्थ दर्शन कराओ। बोले पिताजी सारे तीर्थ तो ब्रज में ही है, बोले कहां पर, बोले मेरे साथ में आओ। तब कृष्ण
ब्रजवासियों को लेकर के कामवे वन में गए, ब्रज मंडल में के कामवे बने हैं। बोले पिताजी और ब्रजवासियों को बोले सबके सब हाथ जोड़ करके सारे तीर्थ को स्मरण करो। जब उन्होंने हाथ जोड़ करके सारे तीर्थ का स्मरण किया, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ था वो साक्षात रूप में वहीं प्रकट हुए। इसलिए आप कभी अगर इच्छा हो, अगर जाने की कभी इच्छा हो, कभी अगर प्लानिंग करोगे ना, आपको ले जाएंगे। आप सवेरे जाओगे, शाम तक सारे तीर्थ भ्रमण करके आओगे। वहां पर केदारनाथ है, वहां पर बद्रीनाथ है, गंगोत्री, जमुनोत्री, मान सरोवर, कैलाश, वहां पर श्री लक्ष्मण झूला। आप देखोगे पृथ्वी का सारे तीर्थ श्री ब्रज मंडल में प्रकट हुए सबके सब। इसलिए ब्रज मंडल अगर वो दर्शन कर लिया ना, समझो सारे तीर्थ दर्शन करना की हो गया। आप लोग जाओगे, बोलो कौन कौन जाना चाहते हो, आपको सब ले जाएंगे। कोई हाथ नहीं उठा रही डर से। हाँ, एक बार यहाँ प्लानिंग बनाएंगे और सवेरे जाएंगे और शाम को यहीं पर दर्शन करके यहीं पर आ जाओगे, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब उन्होंने अवतारों का नाम ले रहे थे, लेते लेते बोले भैया कृष्ण भी एक अवतार है। इतने में सूत गोस्वामी तो डर गए, बोले क्यों? बोले कृष्ण अवतार नहीं है। बोले फिर कृष्ण कौन है? बोले ये अवतार ही है। अवतारी का मतलब होता है जितने सारे अवतार जिनसे आए हैं। इसलिए उन्होंने फिर कृष्ण के लिए एक श्लोक लिखते हैं, बोले एते चांस कला पुंस कृष्णस्तो भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम मृगयन्ति जुगे जुगे। बोले हे सौनकाद ऋषियों, अभी तक मैंने जितने अवतार का नाम लिया है, मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, बामन, परशुराम, जितने अवतार हैं, ये कौन है? बोले भगवान कृष्ण का कोई अंश और कोई अंश का अंश है, लेकिन ये कृष्ण कौन है? बोले ये पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, हे अर्जुन, जब जब इस जगत में धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म बढ़ने लग जाए, मैं ही जुग जुग में अवतीर्ण होकर के संतों को, गो ब्राह्मण पृथ्वी को रक्षा करता हूँ और दुष्टों को मैं संहार करता हूँ। इसलिए जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था, इतने में कृष्ण ने क्या किया, विराट रूप दिखाया। देखो ध्यान देकर इतना चीज समझ लो अच्छी तरह से, उन्होंने विराट रूप दिखाया। अर्जुन देख मैं कौन हूं, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, जिसको ब्रह्मा कहते हो देखो ब्रह्मा मेरे में, जिसको शंकर जी कहते हो देखो शंकर मेरे में, जिसको देवी कहते हो देखो देवी मेरे में, जिसको गणेश कहते हो देखो गणेश मेरे में, जितने इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, अर्जुन देख विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, मेरे को छोड़कर कोई परतत्व नहीं है। इसलिए कृष्ण लास्ट में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अर्जुन तू सब छोड़ करके मेरे शरण में आ जा। बोले पाप नहीं लगेगा, आप कहते सब छोड़ करके मेरे शरण में आ जा। बोले अर्जुन मेरे अंदर में तो विश्व ब्रह्मांड है, जब तुम मेरे को प्रणाम करोगे, ये 33 करोड़ देवता को तो प्रणाम करना हो ही जाता है, अलग अलग अगर पूजा करेंगे 33 करोड़ देवता है, दिन में अगर 1 करोड़ को देवता पूजा करो तो 30 दिन में 30 करोड़, फिर 3 करोड़ बाकी रह गए। अभी कितने को मनाओगे? एक को मनाओ तो दूसरे मुंह फुला कर बैठ जाएगा, तीसरे को मनाओ तो चौथा मुंह फुला कर बैठ जाएगा। लेकिन कृष्ण ऐसे देवता है, हिंदी में एक कहावत है ना, जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब ठाकुर जी की कृपा हो जाती है, विश्व ब्रह्मांड का जितने देवता सबके सब उसको भर में अपनी आप प्रसन्न हो जाते हैं, हैं? इसलिए तब उन्होंने कृष्ण के लिए उन्होंने अलग उन्होंने श्लोक लिखे। तब श्री सौनकाद ऋषियों ने सुत गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, तक आप कृपा करके बताओ, जैसे हमारे राहुल राठी जी कथा करवा रहे हैं, अगर निमंत्रण देना भैया कथा हो रही है, हैं? स्कूल में, पब्लिक स्कूल में कथा हो रही है, कथा सुनने के लिए आओ। अगर किसको दो छोटी मोटी किसका बिजनेस हो,
नहीं तो कोई दुकान हो ना, बोले मेरे पास में समय नहीं है। वो बोले कि देवी तू चला जा, मैं सारे काम को निपटा करके आ जाऊंगा। बोले तू स्वयं निपट जाओगी, काम को निपटाओगी। अभी तो किसी ने काम को निपटा पाया है? कोई काम को निपटा पाया है? बोले खुद निपट जाओगे, काम निपटा करके ना कथा में आ जाऊंगा। इसलिए यहाँ पर श्री सोनकाद ऋषि लोग प्रश्न करते हैं, भैया श्री परीक्षित महाराज उसी समय में साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो चक्रवर्ती। चक्रवर्ती जानते हो, केवल भारत ऊपर राज्य तो नहीं, ये पृथ्वी को ऊपर राज्य तो कर रहे थे। पहले पृथ्वी एक ही था, इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया नाम सुनते हो ना, उसका नाम ऑस्ट्रेलिया नाम क्यों पड़ा? बोले पांडवों का अस्त्रागार था। एक स्थान पर्थ है, मैंने गया है, पर्थ क्यों नाम पड़ा? बोले पार्थ से पर्थ है। वहां पर अधिकांश जगह वहां पर मरुभूमि है। बोले मरुभूमि क्यों? बोले अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वहां पर उन्होंने परीक्षा किया था, इसलिए अधिकांश स्थान वहां पर डीजल मिलेगा, मरुभूमि मिलेगा। वहां पर एक स्थान का नाम ब्रिजवीन, ब्रजवन नाम है। रसिया नाम क्यों पड़ा? कहते ऋषि सिंह मुनि का वो स्थान था, ऋषि मुनि का। वहां पर एक मंदिर है, चर्च में मैं गया था, देखा सारे साधु संतों का फोटो है, सारे बड़े बड़े दाढ़ी जटाजुटधारी, हाँ जैसे साधु संत रहते हैं ना, ऐसे उनको पूरा साधु संतों का मूर्ति देगा। कहते पहले वो ऋषि मुनियों का भजन स्थल था, इसलिए ऋषि मुनियों से उसका नाम रसिया। एक स्थान का नाम मस्को, मस्को मतलब मुक्ति, मुक्ति के मस्को है। एक स्थान का नाम प्रेम, वहां पर एक जगह नाम प्रेम, प्रेम से प्रेम नाम है। कहते परीक्षित महाराज उस समय में ये संपूर्ण पृथ्वी को ऊपर राज्य तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सारे काम को पीछे करके। क्यों? कहते ये दुनिया तो करते हुए आ रहा, करते रहेंगे, ये दुनिया कभी समाप्त नहीं होता है। लेकिन उन्होंने क्यों सारे काम को छोड़ करके और एक जगह पर सात सात दिन तक कथा कैसे सुने? बोले इसलिए सुने, उनको पता है, एक तो उनको पता था सात दिन में मरने वाला, लेकिन उनको तो पता था सात दिन में मरने वाला, हमें कोई पता है? हमने जो श्वास छोड़ा है, दूसरा श्वास कोई ले पाएगा? कोई बोल सकता है दूसरा श्वास हम ले पाएंगे? इसलिए श्री सोनकाद ऋषि लोग प्रश्न करते हैं, भैया श्री परीक्षित महाराज पृथ्वी का राजत्व को छोड़ करके, पृथ्वी का राजत्व को छोड़ करके उन्होंने सब कुछ त्याग दिया भगवान की कथा के लिए। ये बड़ा आश्चर्य लगता है, क्यों कथा सुनने के लिए बैठे? बोले सुखदेव गोस्वामी साधारण ऋषि नहीं थे, ये मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे और गर्भ से निकलना नहीं चाह रहे थे, बड़े कष्ट से गर्भ से निकले। फिर उसको बाद में फिर ब्रह्म ज्ञानी बन करके चले गए। 16 साल तक जो मुंह नहीं खोले, लेकिन जब उन्होंने एक बार मुंह खोले ना, सात दिन तक मुंह बंद ही नहीं किया। अभी हम जैसे कथा सुन रहे ना, ऐसे कथा नहीं हुई उस समय। वहां पर बिना खाए बिना पिए एक जगह पर बैठ करके सात सात दिन तक, दिन रात उनने सात दिन तक कथा सुने, तभी 18,000 श्लोक किसी तरह से खत्म हुए। कथा पहले ऐसे नहीं होता था, कुछ दिन पहले कथा कैसे होती थी? सवेरे 4 घंटा, शाम को 4 घंटा, कोई बीच में कीर्तन कुछ है नहीं, केवल कथा ही कथा होता था। अभी धीरे 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 होते हो तो इतने काम होने लग गया। मतलब कलयुग का जीव इतने, मतलब एक जगह पर बैठना उनके लिए इतना कठिन है। अभी एक टाइम ही कथा होती है, उसको बीच में फिर सुंदर सुंदर कीर्तन है, भजन है, फिर उसको बीच में फिर कथा कितना समय होती है। इसलिए उनको प्रश्न करते हैं, भैया ये भागवत ग्रंथ बनाए थे, क्यों बनाए भागवत ग्रंथ को, क्या जरूरत था? इसलिए आप कृपा करके हमें सारे बात को बताओ। जब उन्होंने प्रश्न की, तब श्री सुत गोस्वामी इसको उत्तर देते हैं। बोले द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय युग पर जाए, व्यास पराशर की सत्याम कलया हरे। कद अभी श्री व्यास देव जी कदिये भगवान की ये सत्यावेश अवतार है। इन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से देखा ये कलयुग आएगा। ये कलयुग में धीरे धीरे लोगों का जो बुद्धि, पता है हाइब्रिड से सारी चीजें बनेंगी, इसलिए धीरे धीरे इनका स्मरण शक्ति खत्म होती जाएगी। आप जितने बड़े बड़े होंगे ना, आप देखना, आप लोग स्कूल में जो पढ़ने के लिए जाते थे, गुरुजी पेड़ को नीचे बैठा करके सब पढ़ाया करते थे,
पेड़ को नीचे बैठा कर पढ़ाया करते थे और रटाते रटाते सारे ग्रंथ रटा लेते थे। उनकी पुस्तक की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? पहले तो ब्रह्मचर्य पालना करते थे, ब्रह्मचर्य में बढ़ा सकती है और हर चीज प्योर चीज मिलती थी। अभी ब्रह्मचर्य कोई पालन नहीं करते, पर ये स्मार्टफोन आकर के हैं, फोन आकर के इंटरनेट आकर के सबका चरित्र को बिगाड़ दिया। ब्रह्मचर्य पालन नहीं करेंगे, उनको पता है कलयुग आने वाला है, इसलिए स्मरण शक्ति धीरे धीरे ह्रास होगा, ब्रह्मचर्य रहेगा नहीं। इसलिए क्या होगा, इसलिए उन्होंने एक वेद को उन्होंने चार वेद रूप में प्रकाशित किया, ऋग यजु श्याम और अथर्व। फिर उन्होंने उपनिषद भर प्रकाशित किया, फिर ब्रह्म सूत्र को, उसको बाद में देखा स्त्री शूद्रों को वेद में अधिकार नहीं, पंचम वेद उन्होंने महाभारत रचना की जिसमें ये भगवत गीता है। लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी शांति हृदय में नहीं है। एक दिन श्री नारद जी बिना बजाते बजाते श्री नारद जी वहां पर आते, कृष्णदास भजन गए, श्री नारद जी प्रभु का कीर्तन करते करते श्री नारद जी वहां पर आते ही एक भजन सुन लो। बोलो श्रीनारायण बिहारी लाल की जय, जय जय श्री हो। कृष्ण नाम तो भक्त भव सागर तर जाएगा, जो ना तुमने भजन किया तो फिर पीछे पछताएगा। सभी आएंगे बड़े प्रेम से दोनों हाथ की थाली बजाते हुए, कृष्ण नाम तो भजन Oh,
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री नारद जी उपस्थित हुए, बोले व्यास लगता है तो बड़े दुखी हो। बोले गुरु जी आप सही बताए, मैंने जीव कल्याण के लिए इतने सारे कुछ किया लेकिन अंदर से लगता है कुछ कमी है। गुरु जी आप तो गुरु हो, गुरु माने बोले गुकार अंधकार रुकार तस्य निरोधक। बोले जो शिष्य के हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को हटा ले और दिव्य आलोक को जो प्रकाश करे वो गुरु का काम है। बोले गुरु जी आप कृपा करके बताओ कमी क्या है। तब नारद बोले देखो, बोले जथा धर्म दयाश्चार्था मुनि वर्ज्यानो कीर्तित न तथा वासुदेवस्य महिमा जनु वर्णित। बोले तो तुमने जीव कल्याण के लिए तो बहुत कुछ किया हो लेकिन उसमें कमी भी है। बोले गुरु जी इसलिए तो बता रहा हूं कमी क्या है। बोले तुमने कैसे पैसा कमाओ, कैसे धर्म करो, कैसे स्वर्ग जाओ, ये सब बात तो बड़े बढ़ा चढ़ा करके बता दिया और तुमने अलग अलग पुराण भी बताया, जैसे शिव पुराण है जहां पर तुमने बताया सत्यम शिवम सुंदरम शंकर जी। शंकर जी की इतने महिमा बताए, अगर वो ग्रंथ कोई पढ़े तो दुनिया में शंकर जी वगैरह कुछ भी नहीं, शंकर ही सब कुछ। लेकिन जब देवी पुराण तुमने बताए वहां पर मैया देवी को, बोले वही तो जगदम्बा जगत जननी है। अगर कोई देवी पुराण पढ़ेगा तो भैया मैया देवी से तो और कोई बड़े है ही नहीं। जहां पर तुमने हनुमान जी की महिमा बताई, तुमने तो ये बताया दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। अभी उसको कोई पढ़े भैया हनुमान तो दुनिया में बड़े, माता सीता को जिसने उद्धार की, भगवान राम को भी जो कंधे पर बैठा कर ले जाते हैं। जब तुमने गणेश जी की महिमा गाई, बोले भैया सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा होनी चाहिए। अगर ये सारी ग्रंथों को कोई इकट्ठे पढ़ लेना वो समझ नहीं पाएगा भैया क्या करना और क्या नहीं करना, भविष्य में बड़े लड़ाई झगड़ा इस विषय को लेकर कोई। बोले गुरु जी इसलिए तो बताया, आप बताओ क्या करनी चाहिए। बोले देखो बेटा, जथा धर्म दयाश्चार्था मुनि बर्ज्यानु कीर्तित न तथा वासुदेवस्य महिमा जनु वर्णित। कहते जो भगवान वासुदेव है, जो भगवान कृष्ण है, ये कौन है भगवान कृष्ण। कहते जितने सारे देवा देवियों सब भगवान कृष्ण से ही अब प्रकटित हुए, वही जगत का मूल है भगवान कृष्ण है। इसलिए जब तक तुमने, क्योंकि जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का ही अंश है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन ममई बांस जीव लोके जीव भूत सनातन, जगत में जितने जीव है सब मेरे संतान है, मेरे बच्चे हैं। इसलिए जो जीव है वो भगवान के ही बच्चे हैं। सभी को आदर करो, किसको अनादर मत किया करो, सभी को आदर दो क्योंकि सब भगवान ने सबको एक एक पोस्ट ठाकुर ने दे करके रखे। लेकिन जो हृदय में है ना, जब तक तुम भगवान कृष्ण की कथा भगवान की राम की कथा हृदय खोल करके नहीं बोलोगे तब तक जीव का कल्याण नहीं। इसलिए देखो जीवन में जो कुछ कर करो अंतिम समय में यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गलते है सब कई बार झूठा है, इसलिए तो अंतिम समय में यही बात बोलते हैं। इसलिए तुम भगवान कृष्ण की कथा दिल खोल करके, राम की कथा दिल खोल करके बताओ, तुमको परम शांति मिलेगा। और तुमने और एक बात भी बता दी, बोले क्या। बोले देखो भजन कब करेंगे, बोले जब रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा। अभी तो खूब संसार करो, घर गृहस्थी खूब करो, करते करते जब सारे काम से रिटायर्ड हो जाओगे भजन करना। भैया अभी तो कोई संसार से रिटायर्ड हो पाए, मरने से अभी आज मरने वाले देखना 200 साल का प्लानिंग बनाकर बैठा हुआ, ये करना ये करना ये करना। तब उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई, आप लोगों भी ध्यान देकर सुनो, बड़ी बढ़िया स्टोरी है। बोले एक दिन श्री नारद जी मरते जगत में आए, घर घर में गए, सबसे पूछे बोले भैया सब कुशल मंगल है। ऊपर से तो मुंडी हिलाया ठीक है, लेकिन जब अंदर की बात पूछा देखा जगत में कोई भी कुशल में नहीं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना
रहा तो उदास, सबको दुनिया में दुखी 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 देखा। अभी देख करके उसने बैकुंठ में गया, देखा बैकुंठ पूरा खाली पड़ा हुआ। बोले ठाकुर जी ये बैकुंठ खाली क्यों पड़ा हुआ? मैंने मरते जगत में गया, देखा जगत में सब दुखी दुखी जी, आप कुछ भक्तों को ऊपर उठा करके ले आओ, कोई आपके लिए रसोई बनाएगा, कोई सब्जी अमनिया करेगा, कोई आपका मंदिर साफ सुथरा करेगा, यहाँ पर कितने सेवा है, कुछ लोगों को क्यों लेने आते हो? बैकुंठ पूरा खाली पड़ा हुआ। बोले नारद जी मैंने 24 बार मैंने अवतार लिया, लेकिन ये दुनिया छोड़ करके कोई भी आना नहीं चाहते। बोले प्रभु मेरे को विश्वास नहीं होता, दुनिया में सब दुखी दुखी कोई आना नहीं चाहते हैं। बोले कोई आना नहीं चाहता? बोले प्रभु मेरे को तो विश्वास नहीं होता। ठाकुर जी बोले देखो नारद ये दायित्व तो मैं तेरे ऊपर दे दिया, जा जितने लोग मिले पकड़ करके बैकुंठ ले आ। बोले प्रभु जी मैं प्रतिज्ञा करके जाता हूँ ये बैकुंठ आज भर दूंगा। नारद जी आए, देखा एक किसान जेठ के महीना में खेती कर रहा था, पसीना पसीना बह रहा था। बोले ये तो जरूर जाएगा बैकुंठ, इतना कष्ट भोग कर रहा है। बोले किसान भैया बैकुंठ चलोगे? बैकुंठ पूरा खाली पड़ा हुआ। बोले तेरा कोई काम धाम नहीं और किसी का काम नहीं, अपना रास्ता देख। बोले बैकुंठ जाएगा, खेती कर रहा हूँ वहां पर, यहाँ पर धान गेहूं होगा परिवार। बोले बैकुंठ अपना रास्ता देख। बोले ठाकुर तो सही बोल रहे थे। और थोड़ी दूर गए, देखे कि माता जी को पानी भरते हुए कुएं से। बोले माता जी बैकुंठ चलोगे? ठाकुर जी बोले जितने जीव मिले पकड़ करके ले आओ। बोले बाबा अभी अभी मैं कुएं से पानी भरने आई हूँ, अभी घर में जाकर एक रोटी सब्जी बनाऊंगी, मेरे परिवार खाने वाले, अब तू कहते बैकुंठ चल अपना रास्ता देख, बैकुंठ जाने का समय नहीं। अभी उन्होंने जिनियों को पूछा, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हुए। बोले भैया ठाकुर तो सही बता रहे थे, ये तो कोई भी तैयार नहीं। इतने में देखा है कि वृद्ध 80 साल के एक घर की बाहर बैठा हुआ और सर पर हाथ रखकर, बोले ये तो जाएगा, अभी बूढ़ा हो गया ना, कोई तो काम धाम है नहीं। बोले भैया तुम्हारा नाम क्या? बोले कैलाश। बोले ठाकुर जी बोले जितने जी मिले पकड़ करके उसको ले आओ बैकुंठ में, बैकुंठ चलोगे? बोले जाने का तो इच्छा है, लेकिन एक थोड़ी सी काम बाकी रह गई। बोले क्या? बोले छोटा बेटा का सगाई हो गई, अभी शादी हो जाएगा ना, फिर तो कोई काम धंधा नहीं, सीधा बैकुंठ चलूंगा। नारद जी ने देखा अभी तो कोई हाथ भरे नहीं, बड़े कष्ट से एक व्यक्ति हाँ भरे, नारद तो पीछे ही पड़ गए। बोले आओ कब? बोले सगाई तो हो गई, शादी होने वाली, कुछ दिन बाद में आओ। नारद जी कुछ दिन बाद में आए, आए तो बोले क्यों बेटा का शादी हो गया? बोले बाबा बढ़िया, बहू बहुत बढ़िया है, सवेरे उठते ही पाम छूती है और रोटी सवेरे होते ही गर्म गर्म रोटी सब्जी बना करके देती है, चरण दबाती, बहुत आज्ञाकारी बहू है, बहुत आपका बड़ी आशीर्वाद है। बोले चलो अभी वैकुंठ में। बोले देखो नारद जी मैंने सुना है अगर पुत्र को जन्म दो तो पूत नाम का नरक से उद्धार होता है, अगर नाती पोती का मुंह देखो मैंने देखा स्वर्ग होता है। मेरा मन में कोई इच्छा नहीं, अभी बहू गर्भवती है, कुछ दिन में बच्चा देने वाले फेल तो मैं जाऊंगा। बोले पहले बोल रहा था बेटा का शादी हो जाए, अभी कहता है भैया नाती पोती देख करके जाएगा। बोले कब आऊं? बोले कुछ दिन बाद में आओ। जब नारद जी कुछ दिन बाद में आए ना, देखा हुआ है ही नहीं। बेटे से पूछा भैया भैया तुम्हारा पिताजी कहाँ गए? बोले क्या बताऊं पिताजी का स्वर्गवास हो गया। नारद जी ने कहा भैया इतना कष्ट से के चेला बनने वाला था, वो चेला भी सिधार गया। लेकिन नारद जी देखा ये घर छोड़कर कहीं गया नहीं। देखो ये गीता का श्लोक है, कृष्ण कहते हैं जम जम व्यापिसरण भाव त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम्। गीता में कृष्ण कह रहे हैं बोले आप मरते समय जैसे जैसे सोच सोच करके मरोगे दूसरी जीवन में ठीक वैसे जन्म होगा। बोले ये घर छोड़कर कहीं नहीं गया, ये घर में किसी ना किसी रूप में जन्म लिया। क्यों? आसक्त था, ध्यान लगाकर देखा घर में कुत्ता बन करके आया, घर में कुत्ता बन करके आया। नारद जी बोले कैलाश अभी तो कुत्ता बन गया, अभी तो भजन कर। बोले गुरु जी ये जितने जमीनी प्रॉपर्टी देख रहे हो ना, मैंने इतने कष्ट करके कमाया, ये बच्चों को क्या पता, रात को सो जाता है, उसको ध्यान नहीं रहता, कोई उठा करके क्या ले जाए, इसलिए रात भर में पहरादारी देता हूँ। बोले हे भगवान क्या संसक्ति, देखो ध्यान देकर सुनो, ये पुराण की कथा है, ये आसक्ति कितने जोर जबरदस्ती, कैसे जन्म जन्मांतर जी भटकते हुए रहता है। बोले कब जाओगे?
बोले बच्चा थोड़ी सी होनहार बन जाए। नारद जी कुछ दिन बाद में आए, देखा बेटा भी कुत्ता भी मर जाता है, ध्यान लगाया गया कहा, देखा बैल बनकर घर में खेती कर रहा है। बोले क्यों कैलाश जी, अभी तो चलो, अभी तो बैल बन गया, अभी तो चलो। बोले गुरु जी ये जितने जमीनी जगह था मैंने कमाया था, और ये क्या करता है, खेती नहीं करता है, इसको छोड़ देता है और उसको मैंने ले करके खेती करवाता हूँ। बोले अभी तो चलो कम से कम, बोले थोड़ा बच्चा होनहार बन जाए फिर तो मैं सीधा चलूंगा, कोई काम नहीं। बोले आओ कब, बोले कुछ दिन बाद में आओ। आ करके देखता बैल भी मर जाता है। बोले कहां पर वो जन्म लिया, ध्यान दिया। अब लोगों को पता होगा पहले लोग कलसी में सोने चांदी को रख करके मिट्टी को नीचे गाड़ देते थे कि वो चोरी नहीं हो जाए, लेकिन उसने कहां पर गाड़ा था उसको याद है, उसको ऊपर में एक जहरीले सर्प बनकर बैठा हुआ, किसी को भटकने नहीं देता। नारद जी ने देखा इसको पीछे मैंने तीन जन्म तक घूम गया, अभी तक भी ये आसक्ति नहीं छोड़ता है। बोले जब तक डंडा नहीं पड़ेगा ना ये ठंडा नहीं होने वाले। उसको पिताजी को, उसको बच्चे को बोला, बोले बेटा इधर आ, तेरे पिताजी कलसी में कुछ सोने चांदी रख कर गया है, लेकिन उसको ऊपर सांप बैठा हुआ। देखो बेटा डंडे से केवल कमर तोड़ना मारना नहीं, वो तो बड़ा खुश हो गया, पिताजी इतनी संपत्ति रख करके बोल कर गए नहीं, देखा सचमुच से कि जहरीले सर्प बैठा हुआ, मारा अपना पिताजी को डंडे से, मारा तो कमर टूट गया। बोले उसको फेंको, फेंका, जब गाड़ खोदा ना सचमुच से एक कलसी निकला जिसमें सोने चांदी की मोहर था। जब वो ले रहा था ना वो सर्प आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा था, क्यों उसी ने ही उसको रखा था। बोले क्यों कैलाश अभी तो भजन करोगे, बोले गुरुदेव अभी भजन करोगे, बच्चे को पीछे मैंने तीन जन्म तक मैंने सोचा थोड़ा बदल जाए, अभी भी बदला नहीं, अभी भी सुधरा नहीं, इसलिए गुरुदेव अभी कृपा करो। फिर उन्होंने मंत्र पुत करके पानी छिड़काव करवाए, फिर उसको दूसरे जीवन में इंसान बने, फिर मंत्र दिए और बड़े कष्ट से वैकुंठ लेकर गया। ठाकुर जी पूछे क्यों नारद जी कितने जीव को लेकर के आए हो, बोले ठाकुर जी आप सही बता रहे थे, ये संसार का जो आसक्ति सहज में नहीं छूटना है। देखो आप लोग बोलोगे यार सब गप्पे हैं, कौन किसको देखा, देखो आप ध्यान देकर सुनो। मैं कुछ दिन पहले कथा करने बंगाल गया था, एक स्थान का नाम झारखंड है। मैंने जब कथा ये कथा कर रहा था एक व्यक्ति का न्यूज पेपर लाया, बोले बाबा आप जो बता रहे थे सही। बोले क्या है, बोले देखो आपको अभी मैं दिखाऊंगा, देखो मैंने उसको फोटो बना करके लाया हूं। आप लोग बाद में, ये बंगला भाषा में लिखा हुआ है, आप लोग बाद में इसको देख लेना, बाद में इसमें फोटो लाया हूं। इसमें एक जगह पर घर की नीम खोद रहे थे, नीम खोदते खोदते हथा झन करके आवाज हुई। बोले भैया आवाज कहां से आई, देखा वहां पर कलसी, दो कलसी है और दो कलसी में उसमें सोने चांदी की उसमें मोहर रखा हुआ और दो जहरीले सर्प उसको पर लपेट करके बैठे हुए, किसी तरह से वो कलसी को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। इतने में पुलिस में खबर हो गया यहां पर दो कलसी निकला है और रानी का नाम अलजवरना क्या नाम लिखा हुआ उसको ऊपर में है, वो मोहर के ऊपर में दो कलसी निकली जिसमें सोने चांदी की मोहर है। इतने में पुलिस आ गया उसको जब्त कर लिया और जो उसमें दो जहरीले सर्प थे जो सांपुड़े सर्पों को जो पकड़ते हैं उनको बुलाया, किसी तरह से उसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे, उसको किसी तरह से पकड़ करके बोरी में बंद किया और उसको 3 किलोमीटर दूर में छोड़ करके आ गए। फिर आधा घंटा में देखा वही दो सर्प वही घूम रहे, वहीं पर घूम रहे, किसी तरह से कलसी को छोड़ना नहीं चाहते। बोले क्यों, चूंकि उनको आसक्ति उसी में ही थी, वो रुपया पैसा में आसक्ति थी, इसलिए बारंबार। अब बाद में आपको डिटेल सब आना, कथा के बाद में आपको डिटेल से दिखाऊंगा इसमें क्या क्या, कौन सा गांव, व्यक्ति का नाम क्या किया, पूरा डिटेल से उसका पूरा फोटो, कलसी का फोटो मैंने लाया और उसमें कौन सा रानी का नाम लिखा हुआ मोहर में सब डिटेल से दिया हुआ। इसको आप लोग गल्प मत मानो, गप्पे मत मानो, ये संसार की आसक्ति इतनी जोर जबरदस्त। अभी प्रश्न है, आप बोलोगे फिर क्या सब छोड़कर साधु बन जाए, बोले साधु बनने का जरूरत नहीं, इसलिए कृष्ण गीता में एक सरल उपाय बताते हैं। देखो इतनी सी बात यहां से लेकर के जाओ, अगर इतनी सी बात लेकर के जाओगे ना
कभी भी आपकी संसार की बंधन कभी नहीं हुएगी। संसार में रहोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन भगवत धाम को प्राप्त करोगे। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, बोले जत करोसी जत स्नासी, जत जोहोसी जदासी जत, जत तपस्सी कौन्तेय तद्गुरु समदर्प। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, सब कुछ करो, दुकान मकान फैक्ट्री बनाओ, पैसा कमाओ, क्यों? पैसा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ करो, बच्चों को पालन करो, सब कुछ बनाओ, लेकिन मेरे को ले कर दे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, राम नाम की अंक है सब साधन की सुना, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे दस गुण। देखो, जैसे एक रखो, उसको सीता हाथ में के जीरो दो, आप लोग बताओ तो कितना होगा, बोलो कितना, कोई बोल नहीं रहे हो। जैसे एक रख करके सीधा हाथ में के जीरो दो, कितना होगा, दस। पहले था एक, लेकिन जब एक सुना दे दिया, झट एक दस गुण हो गया, और एक जीरो दो कितना होगा, सौ। पहले था दस, लेकिन जब उसमें एक जीरो दिया जो दस है, झट दस गुण हो गया सौ, और एक जीरो दो कितना होगा, हजार। पहले था सौ, लेकिन जब आप एक एक जीरो दे रहे हैं, आप देखना वो दस 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 गुण बढ़ रहा है। अभी एक को हटा दो, एक को हटा दो, एक जीरो दो कितना होगा, बताओ, बोलो, और एक जीरो दो कितना होगा, और एक जीरो दो कितना होगा, और एक जीरो दो कितना होगा, जीरो जीरो, जीरो का कोई वैल्यू नहीं। देखो इतनी सी बात दिमाग में बैठा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भैया एक किया है, बोले भगवान की भक्ति, भगवान। बोले जीरो किया, बोले ये संसार जीरो है, संसार जीरो है। जैसे धर्मशाला में कहीं रुको, देखना अलग अलग जगह से लोग आते हैं, रात में बैठ कर खूब गप्पे मारते हैं, तुम कहां से आए, तुम कहां से आए, तुम सवेरे होते सब जाते हैं। ये संसार ठीक वैसे, तुम मेरी बीवी हो, मैं तेरे पति हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तेरे पिता हूँ, कब लोग गप्पे मार रहे, और कुछ नहीं है। जिसका जब समय आएगा, एक सेकंड के लिए भी काल मौका नहीं देगा, उस समय लेकर ही जाएगा। केवल हम गप्पे मार रहे हैं और कुछ नहीं यहाँ पर, लेकिन ये जीरो हीरो हो जाएगा, जीरो हीरो हो जाएगा। बोले कैसे, जब ये एक में जुड़ जाए, एक में अगर नहीं, एक को अगर बात दे दिया, केवल पैसा कमाओ, खाओ, पियो, मर जाओ, वो जीरो जीरो ही है। लेकिन अगर एक में जोड़ दिया ना, वो जीरो नहीं, हीरो हो जाएगा। कैसे, पैसा कमाओ, पैसा के बगैर कुछ नहीं होता है। बोले पैसा क्यों कमा रहे हो, बोले ठाकुर को सेवा के लिए। पैसा लक्ष्मी, पैसा क्या है, ये चीज को याद करो, रखो, ये पैसा हमारी नहीं, पैसा लक्ष्मी नारायण की है, तुम्हारी पैसा नहीं, ये चीज को ध्यान रखो। पैसा लक्ष्मी नारायण की, पैसा कमाओ, बोले क्यों, ठाकुर को सेवा के लिए। घर सुंदर बनाओ, बोले क्यों, बोले ठाकुर के दरबार है, भगवान ने दिया है। घर में झाड़ू लगाओ, बोले कहाँ लगा रहे हो, बोले ठाकुर जी का मंदिर में झाड़ू लगा रहे। घर में रसोई बनाओ, बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, बोले क्यों, बोले ठाकुर को भोग लगेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा। बच्चे को प्यार करो, बोले क्यों, बोले बच्चे बड़े होकर के भजन करेगा, भक्ति करेगा, कृष्ण की संसार है। इसलिए अगर हर काम को अगर भक्ति में जोड़ देते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं अंक रहे दस गुण। अगर एक को ठीक रखोगे तो फिर तो दस दस गुण बढ़ जाएगा, अगर एक को हटा दिया फिर तो जीरो जीरो ही है, इसका कोई वैल्यू नहीं। लेकिन वो होगा कैसे, बोले जब तक हम संतों की शरण में नहीं जाते ना, ये ज्ञान हमें कौन देगा, भक्ति रास्ता पर कौन चलाएगा, संत लोग ही चलाएंगे। इसलिए बोले बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनो सुलभ ना सोई। जब तक संतों की संग नहीं होना, तब तक ये विवेक ज्ञान नहीं होता है, और जब तक राम की कृपा नहीं हो, तब तक संत जीवन में हमें नहीं मिलते हैं। इसलिए सब कुछ करो भगवान की भक्ति को लेकर के, नहीं तो जन्म जन्मांतर कुत्ते बैल बरसात बन कर गए, वो बनना ही है, क्योंकि आसक्ति जहां जाएगा। आप देखना, जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना, बोले देखो उसका दादा जैसे अंगुली है, उसको दादा जैसे नाक है, उसको प्यार बोलते हैं ना कभी कभी, मतलब क्या है, आप एक कुत्ते को भगाओ तभी नहीं भागता है, क्योंकि दाने दाने में खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। इसलिए जहां भाग्य वहीं पर घूम करके जाता है। इसलिए ये चीज को ध्यान करते हुए, जैसे हर चीज प्रभु की सेवा में लग जाए, ऐसे अगर भावना लेकर करेंगे तो सब तो बढ़िया।
एक बार हाथ उठा करके बोलो जोर करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। और एक बार हाथ उठा करके आप लोगों को बोलो मैं सुनूंगा जोर से अतुली भरा माला रखो दिखा। हाँ देखो ये बच्चे को देखो आप लोग इसको पहचानते हो कौन है आप लोग जानते हो इसको ये हीरो को जानते हो मैं तो बोल रहा था तुम हीरो का रोल करता बढ़िया रोल करता था इसको बचपन में इसको चेहरा देख करके मैं बोलता था भैया इसको हीरो में काम करवाओ हाँ हीरो में। ये हमारे राहुल राठी जी के ये दामाद है इनके जो परिवार हमारे जो वृंदावन में मंदिर है इनकी परिवार लोगों ने वो मंदिर दिया है मंदिर जगह बहुत पुरानी जगह था धीरे धीरे उसको गृहस्थ लोग उसको ये कर रहे थे ले रहे थे उन्होंने बोले कोई साधु संतों को इसको दे दो इनकी परिवार लोगों ने हमारे मंदिर के लिए उन्होंने पूरा मंदिर दिया है इनके जो पिताजी ये लोग पांच भाई है ये पांच के पांच भाई जो हमारे बड़े गुरु जी इनके शिष्य इनके पांच भाई सबके सब शिष्य केवल इतना नहीं उनका जितने बहू हैं केवल इतना नहीं उनका जो बच्चे इतने संस्कारी बच्चे जन्म हुए देखो इसी उम्र में आपका बेटा होगा तो क्या करता होगा पता होगा अभी क्या करता होगा आपको पता होगा इसी उम्र के बच्चे क्या करते होंगे देखो इन लोगों की वजह से यहाँ पर कथा हुई इन्होंने मेरे को बहुत बार बताया बोले एक बार खुजा में एक बार प्रोग्राम करो एक बार थोड़ी सी हरि कीर्तन करो उनको पता चले प्रभु का नाम में क्या रस है अभी उनको इसी विषय पर पता नहीं लेकिन मेरे पास समय नहीं होता था मैं इधर उधर प्रचार करता था मैंने कहा कभी भागवत कथा रखा पर सात दिन तक आएंगे फिर उन्होंने इनके ससुर जी को मनाए बोले एक बार भागवत कथा रखवाओ सबको ये रस मिले फिर पता चलेगा फिर उन्होंने राहुल राठी इनके परिवार लोग फिर तो उन्होंने भागवत कथा रखवाए और सचमुच से उन्होंने पूरा दिल खोल करके मैं देखा है पूरा दिल खोल करके कोई कंजूस नहीं खाने पीने में रहने में ये पूरा दिल खोल करके पूरा उन्होंने खर्चा करवाया है इसलिए हम इनके लिए इनके परिवार के लिए खूब जोरदार ताली बजाओ जोरदार देखो ये एक कंपनी में क्या काम करते कंपनी में ये सीए हैं देखो देखो हाथ में देखो माला जप कर रहा देखो गले में देखो तुलसी की कंठी है उसने देखो तिलक लगाया इसी उम्र में बच्चे अभी तो बच्चे धीरे धीरे नास्तिक होते जा रहे हैं नास्तिक जितने लिखाई पढ़ा करे ना उतना ही पिता माता को अपमान उतना ही भक्ति से दूर अगर इसी उम्र में कोई बच्चे भजन कर बोले अरे तू इतना लिखा पढ़ा पढ़ कर भगवान की भक्ति भजन कर रहे तू ये क्या चीज है मतलब भजन को इतने गंभीर रूप में दर्शन करते हैं लेकिन ये लोग इसी उम्र में इनके जितने मतलब इनके जितने चाचाओं के जितने बच्चे इसी उम्र के सब के सब इनका पूरा परिवार बेटा का बेटा बच्चे सबके सब गले में तुलसी कंठी है सबके सब देखो इतना तिलक लगाया गले में कंठी हाथ में माला लेकर घूम रहा है इसलिए हमारे भागवत में बताया जिस वंश में एक बेटा प्रभु का भक्ति किया बोले उसका कितना लाभ है ये भगवान नरसिंहदेव कह रहे ये भागवत में जब भगवान हिरण्यकश्यप को वध किया और ध्रुव जी को प्रहलाद को कहते बर मांगो प्रहलाद कहता है ठाकुर जी अगर देना है ना मेरे पिताजी बड़े दुष्ट थे हिरण्यकश्यप राक्षस था आपको कितने सताया संतों को सताया अब एक काम करो मेरे पिताजी को उधार कर दो मुक्ति दे दो देखो जिस पिता ने जिंदगी भर बच्चे को मारने के लिए प्रहलाद को मारने के लिए कोशिश किया जब बोलते बर मांगो ये क्या बर मांग रहा है मेरे पिताजी को उधार कर दो मेरे पिताजी को मुक्ति कर दो लेकिन इसी दुनिया में देखना मानो आपको दो नहीं तो तीन बच्चे किसी बच्चे को थोड़ी संपत्ति कम किसको थोड़ा ज्यादा दे देना आप देखना जिसको थोड़ा कम देगो ना जिंदगी भर बूढ़े को गाली देते रहेंगे डोकरा मेरे को कम जमीन देकर गया कम पैसा जिंदगी भर गाली देगा लेकिन ये बेटा अगर भक्त होगा ना देखो उसका दिल देखो भक्ति करने वालों का जिंदगी भर जो मारने के लिए कोशिश किया ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी इनको मुक्त कर दो तब भगवान क्या कहते हैं देखो ये भगवान ठाकुर जी कह रहे हैं बोले जिस वंश में एक बेटा प्रभु का भजन में लग जाए भगवान कहते उसका 21 पीढ़ी उद्धार हो जाती है कितना पीढ़ी उद्धार होते हैं 21 पीढ़ी उसको उद्धार होता है बोले नृत्यंति स्वर्गे पितरी पितरेषां मतलब है
जो पूर्व पुरुष पहले चले गए, अगर देखते हैं घर में कोई बेटा भक्ति करता है निर्दलती, वो नाचना शुरू कर देते हैं, हमारे अहो भाग्य है वंश में एक बेटा प्रभु का भजन कर रहा है, नाचना शुरू कर देते हैं। बोले वसुंधरा बसतिस्त धन्या, बोले जिस पृथ्वी के ऊपर वो बच्चा जन्म लेता है वो पृथ्वी भी धन्य हो जाती है। और कभी जो माँ और पिता वो बच्चे को जन्म देते हैं, कभी वो पिता माता की जीवन धन्य हो जाता है। पहले पिता माता वैकुंठ जाएंगे, उसके बाद में बच्चा जाता है। देखो बच्चा अगर भजन करेगा तो इतना महिमा, अगर बच्चा गंदे रास्ता पर जाए बोले उसका सारे पाप पिता माता को लेना पड़ेगा, शास्त्र कहता है। देखो अभी छोटी सी कथा सुनो। बोले एक समय कोई एक योगी स्वर्ग में पहुंचा, देखा एक व्यक्ति बहुत दान पुण्य करके स्वर्ग में गया, रत्न सिंहासन में बैठा हुआ, अप्सरिया सेवा कर रही थी, लेकिन वो बैठ बैठ करके रो रहा था, बेहोश हो रहा था। योगी ने पूछा, भैया तुमने इतने पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आया, रत्न सिंहासन में बैठे हो, फिर रो रहे हैं क्यों? देखो ध्यान देकर सुना। वो व्यक्ति कहता है, मैंने बहुत पुण्य कर्म किया इसलिए स्वर्ग में आया, लेकिन मेरे से की गलती हो गई। बोले मैंने बच्चों को सद्मार्ग नहीं दिखाया, जो पैसा मैंने छोड़ करके आया था बच्चे उससे शराब पी रहे, बच्चे उससे जुआ खेल रहे हैं, बच्चे उसमें सिगरेट पी रहे हैं। पैसा चूंकि मेरा ही था, पैसा किसका था? पैसा मेरा था, मैंने ही वो पैसा को मैंने छोड़ करके आया था, और मेरे पैसा को वो गंदे काम में लगा रहे, उसका पाप मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रहा है। क्यों? पैसा मेरा था। अगर हमने पैसा रख करके गए, बच्चे उसको गलत इस्तेमाल किया तो क्या उसका पाप स्वर्ग में भी मुझे नहीं छोड़ेगा, वहां भी हमें भोगना पड़ेगा, इतने कर्म का कठिन दंड है। इसलिए पहले गुरु पिता माता है, पहले पिता माता स्वयं भजन करें। अगर पिता माता भजन करेंगे तभी तो बच्चों को बोलेंगे भजन करो, देखो ये बच्चा कैसे भजन कर रहा है, इसका माता जी देखो बैठे हुए, देखो माला लेकर बैठी हुई इनकी माता जी को देखो, इनको पिताजी की देखो गले में कंठी तुलसी माला, पिता माता कर रहे हैं तभी तो बच्चे को बोलेगा बेटा तू भी एक माला कर। पिता माता के भजन से कोई मतलब नहीं, उल्टा पुल्टा संगत में बैठे हैं, वो बच्चे को बोल सकते तू बेटा की माला जप कर, तू भी भजन कर, कभी बोल नहीं सकते। क्यों? जो पिता माता को बताया ये साक्षात गीता भागवत पिता माता है, पहला संस्कार बच्चे पिता माता से ही पड़ेगा। अगर आप भजन करोगे तभी बच्चा भजन करेगा, नहीं तो सुमित्रा कहती है पुत्रवती जुबती जगह सोई रघुपति भक्ति जासु सुतो होई, उसी माँ को गर्भ धारण करना सार्थकता। अगर बच्चा भगवान की भजन करता है, और दूसरी लाइन में कहती है अगर बच्चों को भजन में नहीं लगा पाओगे बोले बांझ रहो बंध्या रहो, मना करती है सुमित्रा, बच्चे जन्म मत दिया करो, मना कर देते हैं। बोले क्यों? बच्चे अगर गलत रास्ता में जाएंगे उसका दंड भी तुम्हें भोगना पड़ेगा, फिर क्यों बच्चों को पालोगे? वो मना कर देती है सुमित्रा, बच्चे को जन्म मत दो। तभी बच्चे जन्म दो अगर बच्चे को संस्कारी बनाओगे। कितने पैसा दे करके गया ये बड़ी भारी बात नहीं है, हमने बच्चे को कितने पैसा दिया ये बड़ी भारी बात नहीं, हमने बच्चों को कितने संस्कार दिया ये बड़ी भारी बात है, ये बड़ी भारी बात है। इसलिए हमें बच्चों को कितने संस्कार दे कर गए। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है आप लोग भी भजन करो और बच्चों को भी भजन में लगाओ, देखना आपका घर वृंदावन हो जाएगा। जिस घर में बच्चे घर में उठ करके पिता माता की सेवा करें, चरण छुए, भक्ति करें, घर में कोई गंदी चीज नहीं आए, शराब नहीं आए, मांस मीट नहीं आए, वही घर तो भगवान का धाम ही है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग भी भजन करो, बच्चों को भी भक्ति मार्ग में चलाओ। इसलिए हम लोग आए हैं, आप लोग को थोड़ी सी भक्ति की बात सुनाने के लिए हम लोग आए हैं। एक बार हाथ उठा करके बोलो, एक बार हाथ उठा करके सब बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। अरे ध्रुव नारायण बनाया कि नहीं,
ध्रुव नारायण बनाया, बनाया कि नहीं, बना रहे हो? हाँ, जब बन जाएगा ना मेरे को बोलना, बन गया, तैयार है? ठीक है, वृंदावन बिहारी राम की, अरे तेरे सुंदर नैन तेरे मधुर कहन, तेरे ही प्रभु बात तेरी कथिनो, तेरे भगवान वाले तेरी गल फुलवा, ओम तेरे ही बुलाए मेरे चित्त को खिलाए, अरे ऐसे तेरे ही को भाग भर मारा, अरे नटपटी पाग सुनो तेरे मन में गयो, अरे नटपटी पाग सुनो तेरे मन में गयो, जो लोग गए हैं, अच्छा देखे होंगे वहां एक दो मिनट अंतर अंतर पर्दा लग जाता है। पर्दा क्यों लगता है? हा? पर्दा क्यों लग जाता है और मंदिर में नहीं लगता है? क्योंकि हमारे बांके बिहारी इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, सुंदरम कितना सुंदरम, तो इतने सुंदर उनको कहीं नजर ना लग जाए। और बोले उनका एक नाम है भक्त वत्सल भगवान, भक्त के प्रेम में बिक जाते हैं प्रभु, इसलिए आंखों में बैठा के बिके जाते हैं कई बार। इसलिए आइए बांके बिहारी जी का एक भजन प्रेम से गाएंगे, नृत्य करेंगे इसमें। अरे बांके बिहारी की प्रेम छता, प्रेम छता अभी मेरे मन है गयो लता पता, अरे बांके बिहारी की प्रेम छता, प्रेम छता मेरे मन है गयो लता पता, ओ लता पता जी लता पता, ओ लता पता जी लता
बोले जिसमें राधे राधे रहता है जय हो उसी को बांधने प्यारी मिले। तो राधे राधे बोल जपेंगे, हाथ उठा के बोला है सब लोग जपेंगे एक बार प्रेम से, सब लोग हाथ उठा के क्या बोलता है राधे राधे, प्यार से बोलेंगे राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो बिना साली के शोभा नहीं देते ससुराल, और एक कीर्तन की शोभा किससे है ताली से। देखिए आप सब लोग जानते हैं कि कीर्तन की शोभा ताली से, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही बैठे हैं हाथ बंद करके कीर्तन, लेकिन सभी लोग एक बार उठा गया है हाथ उठाइए, सभी लोग हाथ उठाकर क्या बोल रहा है राधे राधे, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राम राधे के, सभी लोग जिनको भगवान देवों का किए हैं वे हाथ उठाइए, उठाइए हाथ देखा एक गैया बड़ी दुखी होकर रो रही, देखा एक बैल है जिनकी तीन प्यार नहीं, वो एक प्यार के ऊपर खड़ा हुआ, और एक राजा शूद्र वो एक प्यार को भी तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, और वो बैल भी विष्ठा मूत्र विसर्जन कर रहा था। परीक्षित महाराज को तो बड़ा क्रोध आया, तो उन्होंने मैयान से तलवार को निकाले और उसको झपट पड़े मारने के लिए, लेकिन वो था कली, उसको पता है ये श्री अर्जुन का वंशधर शरणागत व्यक्ति को कभी मारते नहीं, सीधा चरण में लेट गया। तब श्री परीक्षित महाराज पूछा भैया ये भैया कौन है, बोले ये पृथ्वी स्वयं है। बोले क्यों रो रही है, बोले कृष्ण चले गए, अभी कलियुग आएगा, कलियुग में लोग बड़े पाप कर्म करेंगे, पृथ्वी सोच रही है पाप को मैं सहन कैसे करूं, इसलिए रो रही है। बोले ये बैल कौन है, बोले ये धर्म, बोले भैया तुम्हारी तीन प्यार गया था, तू एक प्यार में खड़े हो। बोले युग चार ही है, सत्य त्रेता द्वापर और कली, ये चार युग है, और हर युग में एक एक धर्म है, अभी सत्य त्रेता द्वापर चला गया, धर्म का तीन चरण समाप्त, अभी कलियुग एक प्यार में खड़ा हुआ। सब ध्यान देकर सुना, ये बड़ी काम की बात है, ये कलियुग का कहां पर स्थान, उसको ध्यान करके सुना।
तब श्री परीक्षित महाराज ने कहा, देखो जब तक मैं राज्य तो करूंगा तुम रह नहीं सकते, देश से तू निकल जा। बोले प्रभु जब तीन युग अपने अपने काम किया, अभी कलयुग मेरे को भी अपना स्थान दो। परीक्षित महाराज देखा यद्यपि कलयुग में पाप ही पाप है, लेकिन कलयुग में एक धर्म भी है। बोले क्या है? बोले कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी नर उतरे परा। कलयुग में कुछ भी करने का जरूरत नहीं, थोड़ी सी ठाकुर का नाम जप करो इससे उद्धार हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कली को स्थान दिया। लेकिन कली को कहां पर स्थान दिया? उन्होंने चार जगह पर कली को स्थान दिया। अगर कलयुग में कोई व्यक्ति चार नियमों का पालन करे और थोड़ी सी ठाकुर का नाम जप कर ले, इससे ही हमारी उद्धार हो जाएगी। अभी ध्यान देकर सब सुने, ये कलयुग में उदाहरण दिया, जैसे आपको कोई बीमारी, किसी अच्छे डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर सचमुच से आपको बीमारी सही करना चाहता है, वो बोलेगा देखो भैया दवा तो बढ़िया दे रहा हूँ, अगर परहेज को साथ में दवा लोगे तो दवा काम करेगा, अगर बगैर परहेज को दवा लोगे तो जिंदगी भर दवा तो खाओगे लेकिन ये दवा काम नहीं करेगा। बोले भैया दवा किया, बोले ठाकुर का नाम, बोले परहेज किया, बोले परहेज चार चीजें। अभी आप ध्यान देकर सुनो, क्या चार नियमों का पालन करते हुए थोड़ी सी ठाकुर का नाम पर उधार हो जाएगी? पहला नंबर, जुआ मत खेलो। धर्म का पहला चरण सत्य है। जो व्यक्ति जुआ खेलेगा वो कभी सच नहीं बोल सकता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने सिखा दिया, देखो मैं साक्षात धर्म स्वरूप हूं, जुआ खेल करके मेरी कितने सत्यानाश हुई। पहले तो राज्य गया, भाइयों को भी जुआ में चढ़ा दिया गए, फिर द्रौपदी को भी चढ़ा दिया, भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण देखना पड़ा। उसको बाद में 12 साल तक जंगल में रहे, उसको बाद में 1 साल अज्ञातवास, जिसके अंदर में कहां सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन बृहन्नला का काम करता था, भीम से जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा गांडी श्री गदाधारी रोसैया का काम करता था, युधिष्ठिर महाराज कहां धर्मराज वहां पर पासा खेलते थे, नकुल सहदेव घोड़ाशाला में काम करते थे। अगर जो जुआ खेलेगा ना, आप देखना जो जुआ खेलते हैं, जुआ खेल कर कभी कोई बड़े आदमी नहीं हुए, वो ऐसे एक नशा है, उठने का इच्छा नहीं करेगा, बैठ भी नहीं सकते हो, शायद और एक दाव लगा देना सर जीत जाएंगे। जो जो जुआ खेले सर्वसान रास्ता की भिखारी बन गए सबके सब। इसलिए खबरदार कभी जुआ में हाथ मत लगाओ, ये जो शेयर कंपनी के भी एक तरह का जुआ ही है। इसलिए धर्म का पहला चरण सत्य, इससे सत्य नष्ट हो जाता है। दूसरा पानम, किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु ग्रहण मत करो, जैसे पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। देखो शराब भी मत पियो, शराब नहीं पीनी चाहिए। संतों का कहना है जो शराब पीते हैं ना उनका 3 लाभ है। कितना लाभ है? कितना लाभ है बोलो, कितना लाभ? 3 लाभ। बोले पहला लाभ क्या? बोले वो बूढ़ा नहीं होगा। बोले दूसरा लाभ? बोले घर में चोरी नहीं होगी। बोले तीसरा लाभ क्या? बोले कुत्ते दोस्त बनेंगे। बोले इसका मतलब क्या है? बोले बूढ़ा कब होगा? जिंदा रहे तभी तो बूढ़ा होगा। कुछ दिन पहले दिल्ली में एक माता जी हरिनाम लेने के लिए मेरे पास में, 30 साल की, मैंने देखा विधवा। बोले माता जी तू विधवा कैसे होगी? बोले 2 बच्चे विधवा होगी। बोले कैसे? बोले मेरे पति शराब पीते थे, शराब पी पी कर लीवर खत्म, सब सब खत्म, जब टेस्ट करके देखा सारे खत्म है, बचने का कोई सवाल नहीं। मैं रसिया प्रचार करने के लिए जाता हूँ, देखता हूँ ज्यादा लड़की वहां पर है और बूढ़े नहीं। मैंने कहा भैया इसमें इतने लड़की कैसे, वो बूढ़े सब कहाँ? बोले यहाँ पर बचपन से शराब पीना शुरू करते हैं और शराब पी पी कर का अंत कहां था, सब खत्म और आधा उम्र मर जाते। इसलिए उनका नपुंसकत्व और पुरुषत्व तो नहीं होने का, ना तो बेटी ज्यादा जन्म ले रही। इसलिए पहला लाभ क्या? बूढ़ा नहीं बनेगा। बोले दूसरा लाभ क्या? बोले घर में चोरी नहीं होगी। बोले भैया चोरी कब होगी? देखो लड़कियां जब कथा हो ना बीच में नहीं आना यहाँ पर, ऐ हरे हरे कृष्णा। इसलिए दूसरा लाभ है, कहते चोरी नहीं होगी। बोले चोरी कब होगा? घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी, वो तो सब बेच बाज करके पी पा कर खत्म कर देगा, पर चोरी किसी के चीज की होगी?
और तीसरा लाभ की बोले कुत्ते दोस्त बनेंगे, कई पीप आ करके पड़ा रहेगा हैं। एक वीडियो आया था आप देखे होंगे, कैसे एक व्यक्ति पी करके सोया हुआ और कुत्ते आकर के मुंह चाट गए। इसलिए ये सब चीज से कोशिश करना, लेकिन अभी ऐसे युग हो गया ना, अगर बच्चे का शादी कर रहे हो, बर्थडे मना रहे हो, अगर शराब नहीं पिया ना, बोले ये कौन सा शादी है, तुमने शराब नहीं पिलाया। देखो एक संत, आप लोग बुरा मत मानो, एक संत कह रहे थे जिस बच्चे का बर्थडे में कभी कभी हम शराब पिलाते हैं, हैं? कभी कभी मांस खिलाते, वो संत कह रहे थे भैया जिस बच्चे का बर्थडे में तुमने इतने जीव हत्या को करवाया और इतने बोतल तुमने तोड़वाया, वो बच्चे का कभी कल्याण होगा? वो संत कहते थे अगर 100 साल होगा ना, झट 50 साल में उतर आएगा, उसी समय 50 साल में उतर आएगा। क्यों? उसकी उद्देश्य करके तुमने इतने बोतल तुमने तोड़वाया और इतने जानवर को तुमने मरवाया, ठीक है ना। इसलिए ये गंदी चीज को नहीं देनी चाहिए और स्वयं भी सेवन नहीं करनी चाहिए, इसलिए ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। देखो और एक चीज ध्यान देकर सुनो, आप बुरा मत मानो, चाय भी नहीं पीनी चाहिए। आप बोलोगे ध्यान देकर सुनो, बोलोगे भैया चाय में क्या दोष है, बोले चाय की पत्ते में कोई दोष नहीं, लेकिन उसमें एक निकोटीन कफिन डालते हैं। आप देखना जो व्यक्ति शराब पीते हैं, शराब पीने का समय आ जाए, अगर नहीं पिए तो क्या होगा बताओ, आप लोग बताओ। जो शराब पीते हैं, शराब पीने का समय आ जाए, अगर शराब नहीं पिएगा तो क्या होगा, आप लोग खुद बताओ, बेचैन से होने लग जाओगे, जब तक नहीं पियोगे चैन से नहीं आएगी। जो लोग चाय पीते हो, अगर चाय पीने का समय आ जाए, चाय मत पियो, क्या होगा आप लोग बताओ, आप ही बताओ, बताओ आप लोग बताओ क्या होगा, बोलो, सर दर्द करना शुरू हो जाएगा, सिर दुखना शुरू हो जाएगा। बोले क्यों? उसमें कफीन और निकोटीन। पहले ये अंग्रेजी ध्यान देकर सुनो, पहले ये अंग्रेजी अपना बिजनेस को चलाने के लिए उन्होंने चाय लाई और उन्होंने बड़े बूढ़ों को पूछ लो, ये चौराहा पर उन्होंने चाय बनाया करते थे और चाय बना करके बोलते देखो जो व्यक्ति एक कप चाय पीगा 1 रुपया मिलेगा, उस समय 1 रुपया का कीमत था। बोले भैया 1 कप चाय और 1 रुपया, बोले दो दो 1 रुपया। कुछ दिन बाद में बोले नहीं 1 रुपया नहीं 50 पैसा मिलेगा, बोले 50 पैसा, उसे 50 रुपया कीमत है, बोले दो 50 पैसा 1 कप चाय। कुछ दिन बाद में बोले 25 पैसा मिलेगा, बोले लो तो। कुछ दिन बाद में बोले 25 पैसा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पी पी करके आदत बन गया, वो नशा है, नहीं पियोगे तो सर दर्द शुरू हो जाओगे। बोले भैया तभी दो। कुछ दिन बाद में बोले 25 पैसा देना पड़ेगा, बोले लो। कुछ दिन बाद में बोले 50 पैसा देना पड़ेगा, बोले लो। कुछ दिन बाद में बोले 1 रुपया देना पड़ेगा, बोले लो। कुछ दिन बाद में बोले 2 रुपया, बोले लो। कुछ दिन बाद में बोले 5 रुपया देना पड़ेगा, लो। अभी कितना हो गया? 10 रुपया हो गया। कितने हमें ठग लिया, देखो ये अंग्रेजियों ने हमने कितने ठग लिया, हमें इतनी सी चाय दे करके, हमें 10 रुपया दे करके हमें ठग लिया उन लोगों ने और अपना बिजनेस बना दिया और हमें बेकू बनाकर चले गए। भैया 10 रुपया का 1 कप दूध मिलेगा, दूध पियो ना, लेकिन हम क्या कहते हैं भैया सवेरे 1 कप चाय पी लो, दोपहर तक चिंता नहीं। हाँ बताओ, इतनी सी चाय से कहीं पेट भरती है? चाय नहीं, हमने जहर पिया, हमने इसमें निकोटीन और कफीन उसको अंदर में, हमने जहर पी करके अपना भूख को हमने खत्म कर दिया, अपना भूख को हमने स्वयं बेकूफ बन गए। अरे भूख लग रहा है, रोटी खाओ ना, 10 रुपया की रोटी सब्जी हो जाएगी, घर में बनाओ 10 रुपया की रोटी सब्जी घर में बन जाएगी, जिसको खाने से तुम्हारी हेल्थ बनेगा। खुद भी चाय पियो, बच्चों को भी बचपन से भी आदत डालते हैं। बोले भैया तुम भी पी, हम भी पी रहे हो, तुम भी पी, कोशिश करना। देखो रामदेव बाबा का हर्बल टी आती है, गोकुल टी आती है, ये जड़ी बूटी है जो हेल्थ के लिए अच्छा है। इसलिए धीरे धीरे आप लोग कोशिश करो चाय को परिवर्तन में दूध पियो, दही पियो, छाछ खाओ, हैं? इसलिए ये गंदी चीज से, ये भी एक नस्ली वस्तु है। कोशिश करना जैसे धीरे 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 ये कम हो जाए, जो हेल्थ के लिए। रामदेव बाबा कभी बोलता है चाय पियो? आप लोग तो देखो, आप लोग योगा देखे होंगे, कभी भी आप सुने होंगे सवेरे उठ करके चाय पीने के लिए बोले पानी पियो, क्या पियो? सवेरे उठकर क्या पीनी चाहिए? चाय पीनी चाहिए ना, पानी पीनी चाहिए? बोला आप लोग जोर से,
पानी पीनी चाहिए है? जो कि हेल्थ के लिए अच्छा, चाय जहर नहीं पीनी चाहिए, इसलिए चाय भी गंदी चीज है। कहती कली का दूसरा नंबर है। और तीसरा नंबर बोले स्त्री, अब भैया स्त्री, स्त्रियों को ऊपर में कली का निवास। बोले कौन सा स्त्रियों को ऊपर में? बोले संसार करो लेकिन शादी करके, पति पत्नी मिल करके घर गृहस्थी करनी चाहिए। बगैर शादी के जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, शास्त्र इसको स्वीकार नहीं किया। संसार करो पति पत्नी धर्म पूर्वक, अपना घर गृहस्थी को धर्म पूर्वक जाजन करो। बगैर शादी से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके घूमेंगे, ये शास्त्र इसको स्वीकार नहीं करता है। संसार करो शादी करके, पति पत्नी मिल करके धर्म पूर्वक गृहस्थी करनी चाहिए, नहीं तो उसमें पवित्रता नष्ट हो जाती है। और जो चौथा चीज है जीव हिंसा, जीव हिंसा में मांस मछली अंडा प्याज लहसुन आदि नहीं खानी चाहिए, ये सब चीज से दूर रहनी चाहिए, इसको खाने से दया नष्ट हो जाती है। इसलिए परीक्षित महाराज ने कलिजुग को ये चार जगह दे दिया, लेकिन तभी ये कलिजुग खुश नहीं हो रहा है। बोले मैं कहाँ कहाँ घूमते फिरूं, मेरे को ऐसे एक जगह दे दो जहां पर सारी चीज मिल जाए। तब उन्होंने सुवर्ण में स्थान दे दिया। कहां पर स्थान दिया? उन्होंने सोने में कलिजुग को स्थान दे दिया। सोने में स्थान दिया मतलब क्या है? बोले जहां पर ज्यादा पैसा होगा, देखना ये जितने सारे अनर्थ वहीं पर होने शुरू हो जाता है। अगर पैसा ठाकुर जी दिए लेकिन हम ये चीज को गलत रास्ता में नहीं चला रहे, समझो फिर तो भगवान की विशेष कृपा है, ठाकुर जी की विशेष कृपा हमारी ऊपर में। इसलिए देखो आप लोग ने लक्ष्मी नाम सुने होंगे, लक्ष्मी आप लोग बताओ तो लक्ष्मी का वाहन कौन है? आप लोग बता सकते हो लक्ष्मी का वाहन कौन है? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा लक्ष्मी का वाहन कौन है? लक्ष्मी का वाहन कौन है? उल्लू है। मतलब है जब लक्ष्मी घर में आती है वो उल्लू को ऊपर बैठ करके, लक्ष्मी ये उल्लू को ऊपर बैठ करके आती है, हैं? एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार हाथ उठा करके बोलो जोर से, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, कहते लक्ष्मी का एक वाहन उल्लू है लेकिन और इसका एक वाहन है, आप बता सकते हो कौन है? बोलो किसको याद है? बोले गौरव। देखो ये चीज को अच्छे तरह से समझ लो, बहुत अच्छी चीज समझा रहे हैं। कहते एक उल्लू और एक गरुड़ है, लेकिन जब लक्ष्मी को अकेले घर में बुलाए, माँ लक्ष्मी घर में आओ, बोले क्यों? आपको भोग करेगी। लक्ष्मी कहेगी भैया मैं तुम्हारी हूँ, मैं तो नारायण की हूँ, तुम मेरे को भोग करोगे? फिर वो उल्लू के ऊपर बैठी कर गाएगी, फिर उल्लू बनाएगी। अगर लक्ष्मी को बुलाओ, बोले क्यों? बोले ठाकुर को सेवा के लिए। आप तो लक्ष्मी ठाकुर जी को, ठाकुर जी को सेवा के लिए, फिर लक्ष्मी वो उल्लू के ऊपर बैठ करके नहीं आएगी, फिर गरुड़ को ऊपर बैठ कर आएगी। किसको ऊपर बैठ कर आएगी? गरुड़ को ऊपर बैठ करके आएगी। अब लोग देखना नजर लगा करके, कभी लक्ष्मी गरुड़ जी को ऊपर में कभी भी अकेले नहीं बैठती है। गरुड़ जी को ऊपर में लक्ष्मी को कभी अकेले नहीं देखोगे, देखोगे नारायण को साथ में बैठती है। बोले क्यों? अगर लक्ष्मी को ठाकुर को सेवा के लिए बुलाओ ना, फिर वो गरुड़ ऊपर बैठ करके आएगी और हमारा घर को वैकुंठ बना देगी, घर को भगवान की धाम बना देंगे। इसलिए लक्ष्मी को बुलाओ, लक्ष्मी आए, लेकिन याद रखो लक्ष्मी हमारी नहीं, लक्ष्मी ठाकुर जी को, ठाकुर को सेवा के लिए उनको घर में बुला लेनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। बोले श्री तैयारी ना, बच्चों को बुला कर ले आओ, ले आओ, ले आओ। बोले श्री हाँ देखो हरे कृष्ण, कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले हैं, ठाकुर जी कल जन्म लेंगे। जब मैया जशोदा गर्भधारण की, जितने ब्रजवासी थे 6-6 महीना पहले 84-84 गज के लहंगा बना करके रखे,
बोले कृष्ण जन्म लेके तो इसको बधाई देने के लिए जाएंगे, इसलिए कल जितने माताएं कल सबके सब गोपी बन करके आना, ठीक है ना। और सबके सब पीले रंग की साड़ी पहन करके, कौन सा रंग की साड़ी पहन करके आओगे? पीला रंग की, ठीक है ना। और इतने सुंदर जैसे शादी का समय में कपड़ा पहनते ना, किसी शादी में जाते हो सज धज करके जाते हो, ऐसे सुंदर सुंदर कपड़े को गोपी भाव से कल भगवान प्रेम की भूखे हैं ठाकुर जी, इसलिए कल सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके आना और गोपी भाव से आना। अगर हो सके तो जैसे उसमें टफी लुटाते है ना, हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल लाल की, इसलिए घर से कुछ टफी लेकर के आना, जैसे उसमें जो लुटाएंगे सब आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और पीले पीले रंग के साड़ी पहन कर सज धज करके बड़े सुंदर सुंदर। और हमारे जो भाई लोग हैं आप लोग क्या पहन करके आओगे? भाई लोग क्या पहन करके आओगे? हाँ कोती धुरता कोती, अगर कुर्ता अगर धोती पहन करके आ सकते अच्छी बात है, अगर ये भी नहीं होना कोशिश करना जैसे कुर्ता पैजामा सफेद रंग का हो तो कुर्ता पैजामा पहन करके सबके सब गो भाव से आना। कल बड़ी धूमधाम से भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले, बड़े धूमधाम से यहाँ पर हम भगवान की बधाई बनाएंगे, ठीक है। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, बोले जय जय श्री राम। क्या ये कुछ बोलेंगे? ठीक है, तो ओम नमो भगवते, हाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान नारायण, कहाँ जा रहे हो? खड़े हो जाओ। हाँ देखो, हाँ इनकी थोड़ा कथा सुन लो। बोले श्री उत्थान पाद राजा के कहते उनकी दो पत्नी थी, बड़ी पत्नी का नाम थी सुनीति और छोटी पत्नी का नाम थी सुरुचि, इनकी दो पत्नी थी। बोले सुनीति मतलब क्या है? बोले जिसकी नीति अच्छी नीति है, जिसका नीति, ध्यान देकर सुनो, जिसकी नीति अच्छी नीति है। अगर जीवन में हम अगर अच्छी नीति को अपनाएंगे भाई, भैया फल क्या होगा? उसको बेटा का नाम था ध्रुव। ध्रुव मतलब क्या? अचल अचल सत्य है। अगर जीवन में अच्छी नीति को अपनाएंगे तो हमारी ध्रुव नाम की संतान होगी। लेकिन जो उनकी जो दूसरी रानी थी उसका नाम थी सुरुचि। बोले सुरुचि का मतलब क्या? बोले स्वस्य रुचि इति सुरुचि, जो अपना मनमानी ढंग से चलने वाली है, जो शास्त्र ग्रंथ से जिनका कोई मतलब नहीं। लेकिन देखो फल क्या होता है। अभी जब छोटी रानी घर में आई, राजा को बोले देखो तभी मैं राजमहल में रहूंगी अगर ये छोटी रानी को घर से निकालोगे तो, बड़ी रानी को निकालोगे तो, नहीं तभी मैं घर में रहने वाला नहीं हूं। राजा उसकी प्रेम में पागल होकर के उसने घर से सुनीति को निकाल दी। देखना कभी कभी घर में ऐसे होता है, अगर थोड़ी कोई प्रभु का भजन करे, भक्ति करे, माला जप करे ना, बोले ये सब क्या चीज है, ये सब कंठी माला तिलक ये सब हमारे घर में नहीं चलेगा, निकालो सब उसी जी को। इसलिए अभी सुनीति घर से चली गई। अभी घर में सुरुचि, अभी सुरुचि का जो बेटा नाम था उत्तम, एक दिन छोटा बेटा बैठा हुआ था पिताजी की गोद में। अभी हर बच्चे का इच्छा होता है हम भी बैठे, लेकिन ध्रुव जब बैठने के लिए गया इतने में जो छोटी माँ सुरुचि थी, बोले खबरदार पिताजी की गोद में बैठ नहीं सकते हो, तब भी बैठोगे तपस्या करके शरीर को छोड़ो और तुम भगवान की आराधना करो,
मेरे गर्भ से जन्म लोगे तो बैठ सकते हो, लेकिन वो तो क्षत्रिय बच्चा, बड़ा दुख मिला। अभी रो रो करके मैया को पास में गया, मैया ने पूछा क्या बात है, बोले ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उसका नाम क्या, सुनीति, मतलब हर समय जो अच्छी नीति पर चले। अगर कोई साधारण माँ होता तो क्या बोलता, बोले खबरदार देखो तुम बड़ा बेटा है, तेरा हक अधिकार राज सिंहासन पर, इसलिए तुम राज द्रोह करना शुरू कर दो। लेकिन वो थी सुनीति, वो अच्छी नीति पर चलने वाली। बोले देखो तेरी छोटी मैया तो गाली थी, लेकिन एक अच्छी बात भी बताई। बोले क्या बताए, बोले भगवान की आराधना करो, ठाकुर जी की भक्ति करो, ठाकुर को कृपा के बगैर राज सिंहासन किसको मिलती नहीं, इसलिए उन्होंने एक बात अच्छी बताई। देख बेटा ये राज्य कब तक रहेगा और राजा कब तक रहेंगे, भगवान की गोद में बैठो, भगवान की भक्ति करो, एक बार उनकी गोद में बैठोगे तो कभी उतरोगे नहीं। ये राजा कितने प्रेम देने वाले, इससे करोड़ गुण प्रेम ठाकुर देंगे, इसलिए बेटा ठाकुर को भजन करो। तब उन्होंने बोले माँ मेरे को आशीर्वाद, मैं भगवान की भक्ति करने जाऊंगा। इसलिए उन्होंने क्या की, उन्होंने अपना मैया को उन्होंने परिक्रमा लगाई, मैया को उन्होंने 3 बार परिक्रमा लगाई और माँ की चरण को स्पर्श करते हुए भजन कर लिए गए। हाँ देखो ध्यान देकर सुना, देखो माँ की अगर आशीर्वाद मिले ना, पिताजी की अगर आशीर्वाद लेकर कोई भी काम में जाओ, बोले निश्चित रूप में आप सक्सेसफुल हो। इसलिए नियम है कहीं भी जाओ पिता माता जी को चरण छूनी चाहिए। कौन कौन पिता माता के चरण छूते हो, हाथ उठाओ तो, कौन कौन छूते हो, हाँ जो जो छूते हो अच्छी बात है, जो नहीं छूते हो कोशिश करना सवेरे उठ करके अपना पिता माता की चरण छुआ करो, अपना गुरुजन की चरण छो, सास ससुर को भी चरण हमें स्पर्श करनी चाहिए, उसको तो आयु बढ़ती है, जस बढ़ती है, धन बढ़ती है, उसको गौरव बढ़ती है। पिता माता का आशीर्वाद लेकर के जाओ तो देखो उसने मैया की आशीर्वाद लेकर गया भजन करने के लिए, इतने उतावला हो गया प्रभु को पाने के लिए, शेर को देखे गले में लग जाता है, कहते आप क्या मेरे प्रभु, लेकिन इस शेर कुछ बोलता नहीं, सर्प को देख करके उसको भी गले में लपेट लेता है, क्या आप मेरे प्रभु हो, लेकिन ये कोई कुछ बोलते ही नहीं। बोले क्यों, बोले उसके हृदय में कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं। इतने में भगवान वैकुंठ में, भगवान बड़ी चिंता में बैठे हुए, इतने में माँ लक्ष्मी कहती है, बोले प्रभु लगता बड़ा चिंते में हो। बोले हाँ लक्ष्मी, एक छोटा बच्चा ध्रुव, वो कठोर तपस्या कर रहा है मेरे को पाने के लिए। बोले जाओ ना छोटे बच्चे को दर्शन दो। बोले देखो लक्ष्मी, वो अभी तक गुरु ही नहीं किया, जब तक गुरु जी की कृपा नहीं हो तब तक मेरे दर्शन नहीं होता है, अभी भजन कैसे करेगा, किस रूप में करेगा, उसको तो कुछ मंत्र नहीं मिला। बोले ठाकुर जी आप इच्छा करोगे सब कुछ हो जाता है। बोले हाँ हो जाता है। फिर उन्होंने श्री नारद जी को स्मरण किया, फिर उन्होंने नारद जी को बोले नारद जाओ उसको अच्छे तरह से परीक्षा करो, ऐसे मंत्र नहीं देना, उसको परीक्षा करके मंत्र प्रदान करनी चाहिए। तब श्री नारद जी बिना बजाते बजाते आते हैं, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बल राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय नारद जी आते हैं उनको मंत्र प्रदान करते हैं। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जब तक हम किसी सदगुरु का चरण आश्रय नहीं करें, पर ठाकुर का अगर ठाकुर भी प्रसन्न हो गए तब तक ठाकुर का भी दर्शन नहीं होता है। देखो एक छोटी सी स्टोरी सुनो, बोले एक समय कोई एक संत किसी घर में कथा कर रहे थे,
कथा करते करते बोले देखो जो ठाकुर का नाम जब करते हैं ना वो भवसागर से पार हो जाते हैं। लेकिन उसी घर में एक तोता पिंजरा में एक तोता था। इतने में वो तोता ने बोल उठा बोले बाबा जी ये सब झूठ बात क्यों कहते हो, भगवान का नाम लेने से संसार से उद्धार हो जाता। बोले झूठ क्या, बोले तुम मेरे को ही देख लो, मैं एक छोटा सा पिंजरा में रहता हूँ, जो आता है उसको साथ में मैं राधे राधे राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता रहता हूँ, अभी तक ये छोटे पिंजरे से भी मेरी मुक्ति नहीं हुई। आप कहते हो भगवान का नाम लेने से जी भव सागर से पार हो जाता है। उसने कहा भैया बात सच 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 बात है। वो अपना आश्रम में आए और गुरु जी को ये बात बताए। गुरु जी ने कहा देख बेटा कल चलो मैं तेरे साथ में चलता हूँ। बोले जा तुम वहां पर कथा करो। फिर गुरु जी बैठ करके बोले, शिष्य बैठ करके बोले जो ठाकुर का नाम लेता है वो भव सागर से पार हो जाता है। फिर तोता वही बात बोला, बोले ए बाबा फिर दो बार क्यों झूठ बोल रहे हो। वहां पर गुरु जी खड़े थे, बोले झूठ क्या, ये तो सच है, ठाकुर का नाम लेने से जीव भव सागर से पार हो जाता है। बोले आप मेरे को देखो ना, ये छोटा सा पिंजरा में रहता हूं, जब जब ये मालिक घर में आता है तब तक मैं राधे राधे राम राम कृष्ण कृष्ण सबको बोलता हूँ, अभी तक ये पिंजरा से मेरी उद्धार नहीं हुई, ये तो भव सागर बहुत बड़ी बात है। बोले देख बेटा इसलिए तेरे मुक्ति नहीं मिली, तू जो नाम जब करते हो ना किसी सदगुरु से तुमने मंत्र नहीं लिया, इसलिए ये नाम लेकर के तुम्हारी उद्धार नहीं होता है। बोले फिर आप ही हमें दे दो। तो उन्होंने उसको कान में कृष्ण मंत्र दिए। बोले देख बेटा तेरे को काम करना पड़ेगा, जब तक इसको अंदर में रह करके जीवित रहने का बहाना बनाओगे ना मुक्ति नहीं मिली। बोले बताओ क्या करना पड़ेगा। बोले ये जब कथा खत्म हो जाएगी तुमने एक नाटक करना, तुम ये नाटक ये करना जैसे तुम शरीर छोड़ दिया इसको बहाना बनाना, मृत शरीर का बहाना बनाना, मेरे मैं मर गया हूं। फिर उसको अंदर से तेरे को निकालेंगे, जब निकालेंगे ना फिर फर कर उड़ जाना। बोले वाह गुरु जी तो बढ़िया मंत्र दिया। जब वहां पर कथा समाप्त तो हो गई वो तोता ने प्राण त्याग दे दिया। लोग बोले भैया धन्य ये तोता का जीवन, क्योंकि ठाकुर का कथा सुनते सुनते उसने प्राण त्याग किया। चलो इसकी अर्थी निकालते हैं। गले में भले सुंदर माला पहनाया, अर्थी में सजा करके जब ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है, इतने में वो जो तोता था ना फर्र कर उड़ गया। जब उड़ गया गुरुजी ने पूछा क्यों तोता, गुरुजी से नाम लेने से मुक्ति मिलती कि नहीं। बोले हाँ तभी मुक्ति मिलती जब गुरुजी से नाम ग्रहण करते हैं। इसलिए श्री नारद जी उनको बड़ा परीक्षा किया, बोले ये कोई भजन करने का उपाय होता है, घर में जाओ तेरे पिताजी ढूंढ रहे हैं। बोले आपका नाम क्या, बोले नारद। बोले लगता है आप कोई डुप्लीकेट नारद हो, क्योंकि हमने सुना है नारद कभी हर समय भक्ति का बात करते हैं, और तुम कहते हो घर में वापस चले जाओ। अगर आप सचमुच से नारद है ना, मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया ठाकुर मिलेंगे। बोले क्यों, बोले जीवन में जब किसी संत दर्शन हो जाए, इसलिए जब हनुमान जी को साथ में विभीषण की साक्षात्कार हुई, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, राम के सबसे प्यारे भक्त है, तब विभीषण क्या कहता है, आज मोए भा भरोसा हनुमंता, और बिनो हरि कृपा मिला मिलई नहीं संता, जो रघुवीर मोए अनुग्रह किनी तो मोए दरस ठगे। लगता है मेरे को तो जरूर संसार से मुक्ति होगा। फिर उन्होंने उनको मंत्र प्रदान करते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। देखो जो लोग एक दो भक्त जो जा रहे हैं ना, एक अनाउंसमेंट सुन लो, जैसे कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले, हमारी जो कथा 3 बजे शुरू हो जाती है, कभी कभी 6 बज जाती है, फिर भक्त लोगों को जाने में देर होता है घर में जाना, इसलिए हमारे प्रभु जी को साथ में डिस्कशन किया है, कल से अभी 4 दिन तक उत्सव होगा, कल तक कृष्ण जन्म लेंगे, परसों श्री राधा रानी, तरसों गिरिराज पूजा, उसके बाद में कृष्ण रुक्मिणी की शादी, इसलिए कल से हम लोग जो कथा 2 बजे से कथा सुन करेंगे, कितने बजे से 2 बजे से, और कोशिश करेंगे 6 बजे को अंदर में कथा को विश्राम दे देने के लिए कोशिश करेंगे। फिर आप लोग अपना घर में जाकर घर गृहस्थी का काम आप कर सकते हो।
इसलिए कल कितने बजे आओगे सबके सब? डेढ़ बजे आना, डेढ़ बजे आना सब। नहीं नहीं सबके सब दो बजे आना सबके सब। हम कोशिश करेंगे छह बजे के अंदर में कथा को विश्राम दे देने के लिए। इसलिए श्री ध्रुव महाराज ने कहते छह महीना में उन्होंने भगवत प्राप्ति, उन्होंने छह महीना में भगवत दर्शन कर लिया। और ध्रुव जी जब घर में आए, पिताजी उनको सिंहासन में बैठा करके भजन करने के लिए चले गए और उन्होंने 36,000 साल तक राजत्व की। उसको बाद में उन्होंने सौ शरीर में वैकुंठ विजय किया, एकदम शरीर उनको छोड़ना नहीं पड़ा और रथ में बैठ कर बोले अकेले नहीं गए। जब जा रहे थे काल भी स्वयं आ गया और काल को सर के ऊपर प्यार रख करके और अपना मैया को ले करके वैकुंठ गए। बोले क्यों? बोले मैया की आशीर्वाद से उन्होंने भगवत दर्शन किया था। अगर माताएं अगर बच्चों को भक्ति की मार्ग दिखाए ना, पहले तो माँ की वैकुंठ गति होगी, उसको बाद में बेटा जाएगा। आगे बेटा नहीं, आगे माँ और पिता। अगर बच्चे को भक्ति की मार्ग दिखाओगे पहले पिता माता की, सबसे पहले मुक्ति मिलेगी। ठीक है, हरे कृष्ण। देखो हम कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल कोशिश करना दो बजे आने के लिए और छह बजे खत्म कर देंगे और पांच मिनट दो बैठो एक माला जप करेंगे। ठीक है, कल हम बता रहे थे भगवान के नाम की कितने महिमा। जो प्रभु का नाम जप करते हैं वो नाम जप नहीं करते हैं, बोले माला नहीं वो माल है, माला नहीं ये क्या है माल है। इसलिए बोले कलिजुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही परा। और पांच मिनट बैठो। ठीक है, पांच मिनट फिर आरती होगी, फिर आरती प्रसाद लेकर सबके सब जाना। सब बैठो, एक मिनट पांच मिनट लग गया कि माला जप करने के लिए। आपको हम प्रयास कर रहे हैं ये सात दिन में कम से कम आपको आदत बन जाए भगवान नाम जप करने का, क्योंकि कथा का सार है ठाकुर जी की नाम है। हाँ देखो दोनों तरफ में दो व्यक्ति जाओ। मुझे लगता है हमारे पास में इतना माला नहीं, जितना माला आपको पास में जाएगा आप लोग भी जप करो, जिसके पास में है ही नहीं आप भी जप करो, माला जप करने का दोनों को ही फल मिलेगा। हाँ देखो माला कैसे जप करोगे एक बार देख लो। जैसे ये अंगुल को हम बाहर निकाल कर रखें क्योंकि ये गंदा अंगुल, ये सबसे पहले निकलता है। हम कहते ना हम तुम्हें देख लेंगे, इसलिए ये अंगुल को हम बाहर निकालते हैं और ये बीच वाले अंगुल को ऊपर में ये माला को रखते हैं, बीच वाले अंगुल को ऊपर में। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल करके एक मोती सरकाते हैं। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर दो मोती सरकाते हैं। मैंने कल आपको बताया था जब श्री चैतन्य महाप्रभु को बोले आज हमारे घर में आपका भोजन है, महाप्रभु बोले देखो सबको घर में खाना नहीं खाता हूं। बोले किसको घर में खाते हो? बोले जो लखपति बनेगा, जो लखपति बनेगा उसको घर में खाना खाता हूं। और उसी समय लखपति मतलब 1,00,000 स्वर्णमय। भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, आप तो लाख की बात करते हो। फिर भगवान समझाए, बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन? बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर का नाम जप करते हैं। इसलिए मीरा कहती हैं ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली है। इसलिए असली लखपति कौन जो ठाकुर का 1,00,000 नाम जप करते हैं? और एक बार देख लो आप लोग लखपति कैसे बनोगे, लखपति कैसे बनोगे? जैसे एक माला हरे कृष्ण हरे, देखो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 बार हो गया है एक बार नाम लेने से। इसमें 108 मोती है। माला करते करते जब यहाँ समाप्त हो जाए इसको पार नहीं करना, क्यों? ये स्वयं राधा कृष्ण का स्वरूप है और ये एक एक गोपी है, बीच में राधा कृष्ण को रख करके रास कर रहे हैं। ये माला रूप में स्वयं ठाकुर जी है, इसलिए यहाँ आ करके राधा कृष्ण को पार नहीं करनी चाहिए, फिर यहाँ से ऐसे घुमा लेना। ठीक है, अगर ऐसे 16 माला कर लिया ना हिसाब से 25,000 हो गया। अगर हमने 64 माला कर ली 1,00,000। भगवान कहते हैं तुमने 1,00,000 माला नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में
₹1,00,000 फिक्स डिपॉजिटी हो गई। ये भगवान स्वयं कहते हैं भैया ब्याज कितना मिलेगा, बोले दिन दिन बढ़त सवाय। आज अगर 1,00,000 नाम की कल्प में 1,25,00,000 मिलेगा, 4 दिन में डबल। देखो जैसे हम यहाँ पर समझो 200-250 लोग बैठे हुए, अगर हम लोग ने एक माला करोगे ना, जानते हो कितना फल मिलेगा हमको? थोड़ी सी जोर जोर से करना, क्योंकि सभी की आवाज सभी को कान में जाएगा। माला तो एक ही करेंगे, हमें 250 माला करने का फल मिलेगा। 250 मतलब है समझो आज आपका नाम पर बैंक में 3,00,000 फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। ये भगवान स्वयं कहते हैं 3,00,000। कल कितना मिलेगा, बोले 3,25,00,000। फिर 4 दिन में 6,00,000। ये धान इतनी जल्दी जल्दी बढ़ती है धान है। इसलिए आप मेरे साथ साथ में मेरे पीछे पीछे बोला करो, कोई मुंह कोई बंद नहीं करना। जिनको पास में माला पहुंचा तो ठीक है, जो नहीं पहुंचा अब भी बोलते रहो, क्योंकि जो नाम जप करेगा पाप उसको सर पर उड़ जाएगा, लेकिन ये बैठेगा कहां पर जो नहीं करेगा। इसलिए सबके सब मेरे साथ में करो, कोई मुंह बंद करके नहीं बैठना, नहीं तो सबका पाप आपका सर पर जाएगा। ठीक है, मेरे साथ में प्रेम से समझो, हम वृंदावन में श्री ठाकुर जी की बांध के बिहारी जी के चरण में बैठे, इसलिए शरीर तो यहीं पर रहे, ये मन को वृंदावन ले चलो है। वृंदावन में ठाकुर जी की चरणों को नीचे बैठी करके आप देखो, आप एक माला जप करोगे ना कितने शांति तुमको मिलेगा, आप स्वयं देखोगे कितने शांति आपको मिलेगी एक माला जप करने पर। इसलिए मेरे साथ साथ सब सब कुछ करो, बोले हरे कृष्ण मेरे साथ साथ बोलो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक मत सर्गेगा, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे माला पूरी हो गई कि नहीं? हाँ, सब पूरी नहीं हुई, आपका पूरी नहीं हुई, सबको पूरी हो गई ना कि बाकी है? एक दो बाकी ना, हो गई, हो गई ना, दो ठीक है, पूरी कर दो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो, माला कोई लेना नहीं, माला सब वापस दे दो, कोई लेना नहीं, पाप लगेगा, क्योंकि ये माला में 3-4 दिन तक हम माला जप करवाएंगे और लास्ट में आपको माला देंगे, ठीक है ना? सब माला सब वापस दे दिया। हाँ, देखो, हमारे यहाँ पर एक प्रभु जी, वो प्रत्येक दिन 10 से लेकर 12 बजे तक बच्चों के लिए, जो ईयर के स्टार है, उनके लिए क्लास देते हैं। आप चाहते हो हमारा बच्चे भी धीरे धीरे भजन में लगे, बच्चे सब बुरी आदतों को छोड़े, आप सवेरे सवेरे 10 से 10 बजे आप अपना बच्चों को भेज सकते हो, हैं? बच्चों को भेज सकते हो, प्रभु जी ने अच्छे भजन गाएंगे, नाचने वाले भजन गाएंगे। कौन गाएगा राधे वृंदावन हरि राम की जय, जय श्री राम। सब लोग सामने आ जाए, सबके सब सामने आ जाए, सामने आ जाए, जो नाचे जो नहीं नाचे अभी सबको नाचना है, सब सबके सब सामने आ जाए, सबसे माला एकट कर लो सबसे। हाँ, बोलो वृंदावन हरि राम की श्रीमद भागवत महापुराण की जय, जय श्री राम। हरे गाथा की जीवनी बन जाओ,
पहले जो है रसगुल्ले की कथा है हाँ जल से संपूर्ण है इसलिए महाराज ने व्यक्ति करा रहा है तीन दिन से कल तो संपूर्ण है अभी सब लोग ताली बजा रहा है